Hello everyone, this is CA Satish Sureka and today we will be conducting the marathon for CMA inter audit. Now before starting on with today's session, let me make certain things very clear to you. कि आज का ये क्लास विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. फिर चाहे आपने पहले ऑडिट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, काम 100% आने वाला है ये सेशन. सिर्फ बहुत ही कम टाइम में मैं काफी सारा कंटेंट कवर करवाने वाला हूं. अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे समझने में या फिर याद करने में आपको थोड़ा फ्रिक्शन आ रहा है, थोड़ी दिक्कतें अगर आप फेस कर रहे हो, तो नोट्स की स्ट्रक्चरिंग इतनी सुंदर ढंग से कर दी गई है कि केवल और केवल एक बार आप मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन लेते हो और दैट पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्ड में जो नोट्स बनाए गए हैं उससे आप गो थ्रू करोगे ना, छप जाएगा दिमाग में, कभी भी नहीं भूलोगे. तो लेकर प्रभु का नाम, लेट स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. देखिए हमारे कोर्स में कुल मिलाकर 3 चैप्टर है. सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, दूसरा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनी एक्ट 2013 और आखिरी है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स. अब एंटायर कंटेंट को मैंने क्या किया ब्रेक कर दिया. हम लोग सबसे पहले थोड़ा ऑडिट के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेंगे, देन अपने कंपनी एक्ट 2013 में मूव करेंगे, कारो 2020 देखेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट देखेंगे और फाइनली अपने ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग समझेंगे. तो चलिए अपने ओरिएंटेशन करें थोड़ा ऑडिट के बारे में. सो ऑडिट इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन नोन एज ऑडिटर और इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं बाय द शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक होते हैं. कहां पे करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में. और इन्हें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. अब देखो दो टाइप का रेजोल्यूशन होता है, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन और दूसरा होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है. सो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी एंड सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. ओपिनियन किस रिगार्ड में देता है ऑडिटर? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है. और हर एंटिटी का ऑडिट होता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो. तो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किन चीजों का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी. और हर एंटिटी का ऑडिट होगा, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो. एंड सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन. ऑडिटर ओपिनियन देता है. किस रिगार्ड में ओपिनियन देता है? कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो ऑडिट कर रहा है वो सही है या नहीं है, दैट इज वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. अब ये ओपिनियन क्या वो बोल कर देगा कि इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट देगा? ऑब्वियस बात है, इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट देगा. तो उसे अपने कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है. So, देखिए यही है कि इट मे बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. अब सवाल ही उठता है कि क्या कंपनी का ऑफिसर, क्या कंपनी का इंप्लॉई ऑडिटर बन सकता है क्या? जी नहीं. सेक्शन नंबर 141 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है इसे. अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जो कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं. तो क्या ये जो ऑडिटर है शेयर होल्डर्स का प्रतिनिधि है कि नहीं है? क्या ये ऑडिटर पर शेयर होल्डर्स आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जो ऑडिटर बोलेगा वही शेयर होल्डर्स मानेंगे. तो क्या इसका निष्पक्ष होना जरूरी है? क्या इसका अनबायस होना जरूरी है? क्या इसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? डेफिनेटली है. तो यह इंडिपेंडेंस को एंश्योर कौन करता है? तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ इंडिया. तो ये अपने कुछ बेसिक बातें जाने विथ रिगार्ड टू ऑडिट. चलिए अब अपने एक बहुत ही ह्यूमंगस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013. और सबसे पहला सेक्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने वो है सेक्शन नंबर 139, जिसमें कुल मिलाकर 6 बातें अपने समझने हैं. सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, कैजुअल वैकेंसी और फिर अपने देखेंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड. बहुत ही आसान सेक्शन है ये, ठीक है. थोड़ा कंटेंट है इसमें लेकिन 15-20 मिनट में कवर कर लेंगे. सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से अपने सेक्शन नंबर 139 का श्री गणेश करें. देखिए यहां पर 6-4 स्टेज होते हैं. जब एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है ना उसमें 4 स्टेज होते हैं. सबसे पहला स्टेज में क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, कंपनी के जो मालिक है उनके सामने जाकर बोलते हैं कि देखिए हमें लगता है कि यह पर्टिकुलर ऑडिट फर्म, यह पर्टिकुलर ऑडिटर सही है. तो शेयर होल्डर्स पूछेंगे कि मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने इस ऑडिटर का क्वालिफिकेशन देखा? क्या आपने इस ऑडिटर का एक्सपीरियंस देखा? क्या आपने यह चेक किया कि इस ऑडिटर के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है ना? तो यह आपका स्टेज नंबर 1.
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी प्रपोजेज द नेम ऑफ द ऑडिटर बिफोर द शेयर होल्डर्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग। ठीक है, तो ये पहला स्टेज हुआ समाप्त। फिर दूसरा स्टेज में आइए। दूसरा स्टेज में क्या होता है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर से पूछा जाता है, भैया तू तैयार है ना, हो सकता है शेयर होल्डर तुझे अपॉइंट कर दे, लेकिन वो अपॉइंटमेंट होने से पहले हमें तेरे से कुछ बातें क्लियर करनी है। तो बोला जाता है कि देख भाई सुन, तेरा अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो वो होगा एज पर कंपनी एक्ट 2013। दूसरा, सीलिंग लिमिट है 20 कंपनीज का, अगर तू अपॉइंट होता है एज ऑडिटर तो ये सीलिंग लिमिट क्रॉस तो नहीं हो जाएगा ना, दूसरी बात हो गई। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि तू डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141, अगर है तो अभी बता दे, फिर तेरा नाम हम लोग शेयर होल्डर्स को मना करने के नहीं, हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। और चौथा पॉइंट है कि हमने अपने तरफ से चेक कर लिया है कि तेरे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम तुमसे पूछे और तू बता कि क्या तेरे खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अगर है तुम लोग फिर मना करेंगे। तो ये आपका स्टेज टू हो गया। स्टेज वन में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी शेयर होल्डर्स के सामने एक ऑडिटर का नाम प्रपोज करते हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग। फिर ऑडिटर से पूछा जाता है कि तू डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141, तेरा अपॉइंटमेंट अगर हुआ तो वो होगा एज पर कंपनी एक्ट 2013, हमारे कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने से तेरी सीलिंग लिमिट क्रॉस तो नहीं हो जाएगी ना, और अगर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो अभी बता दे। तो ये आपका हो गया स्टेज नंबर टू। अब आइए स्टेज थ्री। स्टेज थ्री में क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फाइनली ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा इसका एक टेन्योर होगा, कितना साल होगा, 5 साल। लेकिन हम लोग ये 5 साल बोलते हैं, लिखा इस तरीके से जाता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एजीएम में शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, वहां से 5 साल जोड़ो तो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये हो सकता है कि एजीएम में कोई भी रीजन के कारण ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ना नहीं हुई, तो उस समय क्या होगा, एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये आपका स्टेज थ्री हुआ समाप्त। फिर अपना आ जाते हैं स्टेज फोर में। अब स्टेज फोर का थोड़ा थीम समझो। स्टेज वन में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी ने शेयर होल्डर्स के सामने बोला कि हम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और हमने ये भी चेक कर लिया है कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, आप सोच सकते हो इसे एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने का। ऑडिटर से भी हमने बात कर ली, शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया स्टेज थ्री में। तो अब क्या गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसीलिए कंपनी क्या करता है, ADT1 फाइल करता है विद ROC। कब करता है, जैसे ही शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया वहां से 15 दिन के अंदर। तो यहां पर अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पूरा का पूरा हुआ समाप्त। अब अपने पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड। देखिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का मतलब हो गया कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद ऑडिटर जी आपको चेंज किया जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है क्या ये हर कंपनी में अप्लाई करता है क्या, जी नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है उन्हीं पर अप्लाई करता है। सबसे पहला, लिस्टेड कंपनी पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कंसेप्ट अप्लाई करेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे कोई लिस्टेड कंपनी देखा मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ भैया यहां पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स लगेगा। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लगता है क्या ये कंसेप्ट, जी नहीं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। फिर इसके बाद प्राइवेट कंपनी, क्या हर प्राइवेट कंपनी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कंसेप्ट अप्लाई करेगा क्या, जी नहीं, यहां पर भी अपने को लिमिट चेक करना है कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। और आखिरी है, सारी की सारी कंपनी पे ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कंसेप्ट अप्लाई करेगा, प्रोविजन अप्लाई करेगा, प्रोवाइडेड उसका बोरोइंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो ये प्रोविजन है वो केवल और केवल यहीं पर अप्लाई करेगा। अब हम ये भी जानते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहता है वो दो तरीके से ऑपरेट करता है, एज एन इंडिविजुअल या फिर इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब एक बात को समझो कि अगर कोई इंडिविजुअल इन कंपनीज का ऑडिट करे देन उसका जो टेन्योर रहता है वो रहता है 1 term of 5 years। ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म इनका ऑडिट करेगा तो उसका टेन्योर होगा 2 term of 5 years।
बातों को एकदम ध्यान से सुनना, एक बार बोल रहा हूं तुरंत समझ में आएगा। मैंने कहा कि अगर इन कंपनीज का ऑडिट कोई भी इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्रेटर करेगा तो उसका टेन्योर कितना होगा, 1 term of 5 years। लेकिन अगर इन कंपनीज का ऑडिट कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर अगर LLP करता है तो फिर उसका टेन्योर होता है 2 term of 5 years। मतलब पहला 5 साल सर्व कर लिया, फिर वापस उसे 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया जा सकता है। अब सुनो, अदर देन दीज कंपनी का ऑडिट अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्रेटर करेगा तो फिर उसे इन्यूमरेबल टाइम्स अपॉइंट रीअपॉइंट किया जा सकता है। कोई रिजिडिटी नहीं है, जैसे यहां पर देखो रिजिडिटी है ना कि 1 term of 5 years, लेकिन यहां पर कोई रिजिडिटी नहीं है, 5 years चलता रहेगा। सेम केस यहां पर भी है कि अदर देन दीज कंपनीज का ऑडिट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर अगर LLP करेगा तो फिर कोई रिजिडिटी नहीं है कि 2 term of 5 years ही होना चाहिए, 5 साल चलता रहेगा। तो ये है विथ रिगार्ड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब अपने आते हैं कूलिंग पीरियड में। तो कूलिंग पीरियड का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल यहीं पे अप्लाई करता है और यहां पे अप्लाई करता है। देखिए होता यह है कि ऑडिटर जो कि वर्क कर रहा है एज एन इंडिविजुअल या फिर वर्क कर रहा है एज अ सोल प्रोप्रेटर, उन्होंने क्या किया, इन कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपना 1 term of 5 years सर्व भी कर लिया। अब लॉ बोलता है कि अब तुम 5 साल तक एकदम शांत रहो, अब तुम्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, 5 साल के बाद तुम्हें रीअपॉइंटमेंट की बात उठेगी। यहां पर भी क्या बोला जाता है कि अगर ऑडिटर जी जो है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP, आपने 2 term of 5 years सर्व कर लिया ना, अब आप 5 साल शांति से बैठ जाओ, 5 साल के बाद आपको रीअपॉइंट किया जा सकता है इन कंपनीज के रिगार्ड। लेकिन ये जो रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी है ना, इसके रिगार्ड में भी कुछ कंडीशन है। देखिए जब ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट होगा तो उस समय फिर से चेक करना है तुम कहीं डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141। अगर शेयरहोल्डर ने मना कर दिया नहीं हम इस ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर वो रीअपॉइंट नहीं होगा। और तीसरा ये है, ऑडिटर खुद ही बोल दे कि नहीं हम रीअपॉइंट नहीं होना चाहते तो भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 141 फॉर रीअपॉइंटमेंट, ही हैज नॉट गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसिवली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो शेयरहोल्डर ही पास करते हैं। तो ये जो 5 साल आप देख रहे हो ना, इसे अपने कूलिंग पीरियड कहते हैं। यहां पर भी जो 5 साल जब आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, आप शांत एकदम बैठ जाओ, उसे अपने कूलिंग पीरियड कहते हैं। अब देखिए ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड के रिगार्ड में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या है समझिए, ABC एक कंपनी है जिसमें 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। इन्होंने क्या किया, आर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट किया और अपना टेन्योर जो 5-5 साल का है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया एज ऑन 1/4/2018। ठीक है, अब एक नया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ तो नया ऑडिटर आया XYZ। अब XYZ के पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पार्टनर जेड। तो मुझे एक बात बताइए, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ XYZ क्या कोई भी कॉमन पार्टनर है क्या? यहां पर देखिए पार्टनर है ABC और यहां पर है पार्टनर है XYZ, कोई कॉमन पार्टनर आपको दिख रहा है? जी नहीं। तो ये अपॉइंटमेंट जायज है कि ये अपॉइंटमेंट ना जायज है? ये अपॉइंटमेंट आपका जायज है। लेकिन अब कहानी ये हुआ कि अपॉइंटमेंट के 3 महीना बाद ये XYZ जो फर्म था ना, इसमें पार्टनर ए आ गए। नाउ ऑन 1/7/2018 मिस्टर ए ज्वाइन XYZ एंड कंपनी। क्या यहां पर अब कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉ क्या बोलता है, देखो एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर कोई कॉमन पार्टनर है तब ये जो XYZ एंड कंपनी ने आर लिमिटेड ऑडिट एक्सेप्ट किया ये सही नहीं होगा। लेकिन अपॉइंटमेंट के डेट के बाद कभी भी फिर कोई कॉमन पार्टनर बन जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर 1/4/2018 जो कि अपना अपॉइंटमेंट डेट था उस दिन कोई कॉमन पार्टनर था क्या? जी नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपॉइंटमेंट के बाद, दैट इज 1/7/2018 में देखिए कॉमन पार्टनर आ गया, तो यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं। यही लिखा हुआ है, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये हो गया आपके एक्सप्लेनेशन नंबर 1। फिर आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अर्नस्ट एंड यंग एक बहुत बड़ा ऑडिट फर्म है, बिग 4 में आता है वो। अब इसके अंदर क्या होता है, काफी सारे फर्म्स काम करते हैं, जैसे ABC कंपनी एग्जांपल ले लेते हैं अपने, दूसरा हो गया ABCD एंड कंपनी।
तो क्या एबीसी एंड कंपनी, क्या एबीसीडी एंड कंपनी आर दे ऑपरेटिंग अंडर द सेम नेटवर्क, और वो नेटवर्क का नाम है अंश टेनिया। अब हुआ ये कि एबीसी कंपनी का क्या हुआ, टेन्योर हो गया खत्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या एबीसीडी एंड कंपनी को अपॉइंट किया जा सकता है कि एज एन ऑडिटर, जी नहीं, क्योंकि ये जो इनकमिंग ऑडिट फर्म है, मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है आर लिमिटेड का, और ये जो आउटगोइंग ऑडिट फर्म है जिन्होंने आर लिमिटेड का ऑडिट किया था, ये दोनों के दोनों ऑपरेट कर रहे हैं अंडर द सेम नेटवर्क, देयरफॉर ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। द इनकमिंग ऑडिट फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल, इनकमिंग ऑडिट फर्म आर लिमिटेड का ऑडिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है इफ सच ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग ऑडिट फर्म, ये एसोसिएटेड है अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म, ठीक है ना। तो यहां पर अपना रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड भी हुआ समाप्त। और हमने रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कैजुअल वैकेंसी। देखिए, एक ऑडिटर जब किसी भी कंपनी में अपॉइंट होता है तो ये पॉसिबिलिटी है ही कि वो रिजाइन कर दे, या फिर वो मर जाए, या फिर वो पागल हो जाए, कोई भी रीजन हो ही सकता है ना, जिसके कारण उसकी पोजीशन वेकेट हो सकती है। तो लॉ बोलता है कि अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ड्यू टू रेजिग्नेशन, मतलब ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, देन आपको डुअल अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो डुअल अप्रूवल में क्या है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जाके पूछ लो, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कैजुअल वैकेंसी फिल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। और दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो कैजुअल वैकेंसी ऑन अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन अगर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, और दूसरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, इनकैपेसिटी या फिर एनी अदर रीजन, मतलब सिंपल सा बात सोचो कि कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन के केस में है तो डुअल अप्रूवल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय द शेयरहोल्डर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। और अगर वैकेंसी अराइज होती है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, तो यहां पर सिंपल एक ही काम करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे विद इन 30 डेज के अंदर। तो रेजिग्नेशन में थोड़ा मेहनत ज्यादा है और अदर देन रेजिग्नेशन में मेहनत थोड़ा कम है, तो यहां पर अपना कैजुअल वैकेंसी भी हो समाप्त। फिर आ जाइए अपने सेक्शन नंबर 139 का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज एंड फर्स्ट ऑडिटर। देखो, हम लोगों ने ना अब तक क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंप्लीट कर लिया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कूलिंग पीरियड देखा, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देख लिया, और हम लोगों ने कैजुअल वैकेंसी भी समझ लिया। तो फाइनली अपने गवर्नमेंट कंपनीज और फर्स्ट ऑडिटर समझने जा रहे हैं, एक साथ समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो सवाल यह उठता है कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, तो इसके दो कंडीशन है। कोई सी भी ऐसी कंपनी जिसका 51% या फिर उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे अपने गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ऐसी कोई सी भी कंपनी जो कि सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, उसे भी अपने गवर्नमेंट कंपनी ही कहेंगे। तो ये दोनों कंडीशन आपको चेक कर लेना है। आगे फर्स्ट ऑडिटर के रिकॉर्ड में बताइए। अब देखिए, नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की क्या प्रोविजन है अपने ये भी समझेंगे, और गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की क्या प्रोविजन है अपने ये भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले नॉर्मल कंपनी देखें। एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, एक कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। लेकिन अगर विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, देन क्या होगा, तो यह पावर चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास में। शेयर होल्डर्स को विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो यही लिखा हुआ है, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब नॉर्मल कंपनी का बात हो गया, शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल विद इन 90 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंट सच ऑडिटर। तो यह हुआ समाप्त। अब आ जाते हैं अपने गवर्नमेंट कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी में देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर में थोड़ा कहानी ज्यादा है। जब गवर्नमेंट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, वहां से 60 दिन के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर हुआ, वहां से 60 दिन के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। लेकिन अगर CNAG ने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, देन तो यह पावर चला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास।
उन्हें नेक्स्ट 30 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। अब सवाल यह उठता है कि सीएनएचई ने भी नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी नहीं किया, तब क्या होगा? तब यह पावर चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, जिन्हें नेक्स्ट 60 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। तो पूरा प्रोविजन क्या बना कि जब गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, वहां से 60 दिन के अंदर सीएनएचई को अपॉइंट करना है। सीएनएचई ने अगर नहीं किया तो यह पावर चला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास विद इन नेक्स्ट 30 डेज करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अगर नहीं किया तो वहां से 60 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। अब ये जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, इसका भी कुछ टेन्योर होता होगा। तो चाहे नॉर्मल कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, दोनों केस में मैं फिर से बोल रहा हूं, जब फर्स्ट ऑडिटर का बात आए और उनका टेन्योर अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो एकदम कान खड़ा कर लेना। टेन्योर एक साल है, टेन्योर कितना? एक साल। लेकिन ये एक साल इस तरीके से लिखा नहीं जाता है, बोला यह जाता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने सिर्फ और सिर्फ यह देखा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, ठीक है, फिर फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में कुछ बातों को जाना और उसका टेन्योर भी देखा। अब आ जाते हैं हम लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रिगार्ड में। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी तो अपने जानते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट कंपनी का बात आता है उस समय सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा? तो यह अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब करेंगे? जैसे ही साल शुरू हुआ वहां से 180 दिन के अंदर, जैसे ही साल शुरू हुआ वहां से 180 दिन के अंदर। तो मैं फिर से बता देता हूं सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या हुआ कि इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। कब करते हैं? साल शुरू हुआ वहां से 180 दिन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ, ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हुआ, इसका टेन्योर कितना रहता है? तो नॉर्मल कंपनी केस में 5 साल, अपने को ऑलरेडी मैंने बताया टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन जब गवर्नमेंट कंपनी का बात आता है तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो टेन्योर होता है वो होता है आपका 1 साल, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। मतलब बातों को थोड़ा और समराइज करूं, बातों को थोड़ा और अगर आसान बनाऊं तो ये बात बनी कि गवर्नमेंट कंपनी में जो भी ऑडिटर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, हमेशा उसका टेन्योर 1 ही साल है। लेकिन जब नॉर्मल कंपनी का बात होता है, दैट इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की, जब मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में 1 साल है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में 5 साल है, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, अब कैजुअल वैकेंसी तो गवर्नमेंट कंपनी में भी अराइज हो सकती है। हमने नॉर्मल कंपनी में कैजुअल वैकेंसी के रिगार्ड में जो प्रोविजन है भी बताया कि रेजिग्नेशन के केस में, अगर रेजिग्नेशन का केस है तो डुअल अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज, और आपको विद इन नेक्स्ट 3 मंथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। गवर्नमेंट कंपनी में क्या कहानी है सुनो, कि ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि क्या कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई ड्यू टू रेजिग्नेशन, क्या कैजुअल वैकेंसी अराइज की है और ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन, ऐसा कुछ नौटंकी नहीं है। यहां पर सिंपल सा बात बोला गया है कि कोई भी रीजन के कारण कैजुअल वैकेंसी अराइज हो, कोई भी रीजन के कारण कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज की गई है या हुई है, तो पहला राइट सीएनएजी के पास जाता है, उन्हें वो कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर सीएनएजी ने अपना ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर ये राइट चला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जिन्हें कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। तो ये आपका एक और पोर्शन समाप्त हुआ। सो देखिए, अब हम लोगों का सेक्शन नंबर 139 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देखा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड कूलिंग पीरियड देखा, गवर्नमेंट कंपनी समझा, फर्स्ट ऑडिटर देखा, कैजुअल वैकेंसी समझा, और हम लोगों ने रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी पढ़ लिया। क्या कुछ डिफिकल्ट लगा क्या? तो यहां पर सेक्शन नंबर 139 हुआ समाप्त। अब आ जाते अपने सेक्शन नंबर 142 में, जो है आपका विद रिगार्ड टू रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर, पैसा का बात हो रहा है। तो देखिए, हम ये जानते हैं दो ही टाइप के ऑडिटर के रिगार्ड में, पहला फर्स्ट ऑडिटर और दूसरा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, गवर्नमेंट कंपनी का बात हो या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का बात हो, देखो जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बात आएगा ना, जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बात आएगा तो इसका रेमुनरेशन, इसे कितने पैसे मिलने चाहिए, वो शेयर होल्डर्स ही फिक्स करते हैं। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं। देखो यहां पर भी यही है कि शेयर होल्डर्स रेमुनरेशन फिक्स करते हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो दे मे ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिसाइड रेमुनरेशन। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रिगार्ड में कोई दिक्कत है क्या आपको? जी नहीं। अब आ जाइए फर्स्ट ऑडिटर के केस में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर
का जो रेमुनरेशन होता है वो शेयर होल्डर्स ही फिक्स करते हैं। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में एकदम सिंपल हो गया कि चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, हमेशा रेमुनरेशन शेयर होल्डर्स फिक्स करेंगे। लेकिन जब नॉर्मल कंपनी में आप आते हो तो यहां पर फर्स्ट ऑडिटर का जो रेमुनरेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का फिर जो रेमुनरेशन होता है वो कौन फिक्स करते हैं? आपके शेयर होल्डर्स। ये समझ में आ रहा है? देखो एकदम सिंपल है, रेमुनरेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर हो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो शेयर होल्डर्स ही फिक्स करेंगे, लेकिन रेमुनरेशन इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी दैट इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो रहेगा उसका रेमुनरेशन फिक्स करेगा शेयर होल्डर्स। अच्छा, ये ऑडिटर की जो रेमुनरेशन होती है इसमें ऑडिट फीस आता है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आता है। फीस फॉर एनी अदर सर्विस नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रेमुनरेशन। तो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 139 एंड सेक्शन नंबर 142 को अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 140 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिसके अंदर हमें दो बातें पढ़ाई जाएंगी, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर के अंदर तीन सिचुएशन है, या तो ऑडिटर को हटाया जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में, या फिर ऑडिटर को हटाया जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, और तीसरा सिचुएशन है ऑडिटर को हटाया गया बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, एक बार बताऊंगा भूलोगे नहीं कभी भी। देखिए, जब बात उठती है कि ऑडिटर का रिमूवल हो रहा है एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, तो इसके तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला, आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो। दूसरा स्टेप क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो बाय फाइलिंग फॉर्म ADT2। तो बोर्ड रेजोल्यूशन का काम खत्म, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने के 60 दिन के अंदर आपको क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये आपका हो गया पहला बात, स्टेप फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग। अब आ जाइए दूसरा, व्हाट आर द स्टेप फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर एट एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसमें काफी सारी बातें हैं, शांति से सुनते चले जाना। देखिए, कुछ मेंबर्स, दैट इज मेंबर्स हु आर होल्डिंग 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या फिर 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतने मेंबर्स क्या करते हैं? स्पेशल नोटिस देते हैं कंपनी में। किस रिगार्ड में स्पेशल नोटिस देते हैं? कि हम एग्जिस्टिंग ऑडिटर को हटाना चाहते हैं और हम एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। अब कंपनी क्या करता है, यह जो स्पेशल नोटिस का कॉपी है किसे भेज देता है? उस ऑडिटर को जिसे हटाने के बारे में सोचा जा रहा है। अब यह जो ऑडिटर है यह अपना एक रिप्रेजेंटेशन लेटर देता है जिसमें वो बताता है कि देखिए, आज तक मैंने जो भी ऑडिट किया है बहुत समझदारी से किया है, पूरी ईमानदारी से किया है, तो अगर आगे भी मुझे आप ऑडिटर अपॉइंट रखोगे तो काम अच्छी तरीके से ही होगा। वो ऑडिटर अपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में कंपनी के खिलाफ कुछ भी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं कर सकता, अपनी महानता व्यक्त नहीं कर सकता कि मेरे से बड़ा ऑडिटर आज तक पैदा नहीं हुआ है, यह सब फालतू बात बोलना अलाउड नहीं है। अगर ऐसा किया उसने तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल छोड़ेगा नहीं ऑडिटर को, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसके पास देखिए दो डॉक्यूमेंट आ गए, पहला तो स्पेशल नोटिस और दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेटर गिवन बाय द ऑडिटर। अब ये कंपनी क्या करता है, एनुअल जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले सर्कुलेट कर देता है कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस एंड रिप्रेजेंटेशन लेटर बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें क्या होगा, पुराना ऑडिटर को हटाया जाएगा, उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है और नया ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। और हम ये जानते हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता कौन है? शेयर होल्डर, इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी शेयर होल्डर के सामने बोलते हैं जाकर कि देखिए हम इन्हें अपॉइंट करना चाहते हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है तो वो चेक कर लेते हैं। दूसरा स्टेज में अपने क्या देखे थे कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी है ये ऑडिटर के पास जाते हैं और बोलते हैं देखिए हम आपकी अपॉइंटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आप कहीं डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141, आपका अपॉइंटमेंट एज पर कंपनी एक्ट 2013 होगा, अगर आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वह भी बता दीजिए। फिर शेयरहोल्डर अपॉइंट करते हैं, फिर कंपनी आरओसी को बताता है फाइलिंग फॉर्म ADT1। तो वही 4 स्टेजेस चलता है अपना, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेप फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर एट एनुअल जनरल मीटिंग। सो देखिए, हम लोगों ने 140 सबसेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया और हम लोगों ने 140 सबसेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया। अब अपने आते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का क्या चक्कर है ये देखिए। या तो NCLT को स्वयं पता चल गया कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया था, दूसरा सिचुएशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCLT को बताया कि फ्रॉड हुआ है
और तीसरा, कोई भी पर्सन ने एनसीएलटी को बताया कि फ्रॉड हुआ है तो एनसीएलटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस ऑडिटर को हटाएगा, बैन कर देगा 5 साल के लिए, और पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 447। एक बात ध्यान देने वाला बात यहां पर यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को बताया कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया था तो कंपल्सरीली नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को यह ऑर्डर पास करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। तो यहां पर हम लोगों ने रिमूवल ऑफ ऑडिटर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर 140 का आखिरी पोर्शन में, जो कि क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। क्या यह आसान है? क्या बहुत ज्यादा आसान है? देखो, गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है, आपको ADT 3, जब भी ऑडिटर रिजाइन करे, जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो फिर ADT 3 फाइल करना पड़ता है टू कंपनी ROC एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कब फाइल करना पड़ता है? विदिन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का अगर केस है, अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का केस है, तो भी आपको ADT 3 ही फाइल करना पड़ेगा, यहां पर कंपनी को पास और ROC के पास। तो बात को समझो, जब गवर्नमेंट कंपनी का केस होता है तो क्या आप ADT 3 फाइल करते हो? जी हां। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का केस होता है तो क्या आप ADT 3 फाइल करते हो? जी हां। लेकिन इस केस में आप 3 लोगों को बताते हो, कंपनी को, ROC को, CNAG को, विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। लेकिन जब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का बात आता है तो आप केवल और केवल कंपनी और ROC को बताते हो विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, बिकॉज नॉर्मल कंपनी में CNAG का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नॉन कंप्लायंस में क्या होगा, देखिए, मिनिमम पेनल्टी है ₹50,000 या फिर ऑडिटर का रेमुनरेशन, विच एवर इज लेस। कंटिन्यूइंग पेनल्टी है ₹500 per day एंड मैक्सिमम पेनल्टी आपका कितना है, ₹2,00,000 का। तो यहां पर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 140 पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया। तो देखिए, अब तक सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर 140 एंड सेक्शन नंबर 142 का रिवीजन हो चुका है समाप्त। अब अपने स्टार्ट करते हैं विथ टू न्यू सेक्शन, सेक्शन नंबर 141 एंड सेक्शन नंबर 144, और ये दोनों सेक्शंस कनेक्टेड है आपस में। सेक्शन नंबर 141 डील करता है विद द क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, एंड सेक्शन नंबर 144 डील करता है विद ऑडिटर जो कुछ सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता है। मैं बता रहा हूं, जब सेक्शन नंबर 141 पढ़ाऊंगा ना, साथ ही साथ ये भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए अपने रिविजन स्टार्ट करें। देखिए, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। हम ये जानते हैं कि एक ऑडिटर जो रहता है वो केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही होना चाहिए, तो यही यहां पर लिखा गया। और दूसरा बात ये बोला जा रहा है कि क्या कोई मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है क्या एज एन ऑडिटर। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म का मतलब ये हो गया कि ऐसी फर्म में केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, केवल और केवल CMA नहीं है, केवल और केवल CS नहीं है, इसमें CA भी है, इसमें CS भी है, और इसमें CMA वाले भी है। तो हमारे एग्जाम्पल में देखिए, मैंने क्या किया, एक 11 पार्टनर्स का मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाया जिसमें 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और 2 कंपनी सेक्रेटरी है। क्या इस मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है क्या एज एन ऑडिटर? जी हां, क्योंकि यहां पर 2 conditions है और वो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या मेजॉरिटी पार्टनर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि नहीं है? जी हां, मेजॉरिटी पार्टनर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा, क्या साइनिंग पार्टनर CA है कि नहीं है? जी हां, साइनिंग पार्टनर शुड ऑल्सो बी CA इन प्रैक्टिस। तो यहां पर हम लोगों का 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 हुआ समाप्त। अब अपने को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर देखना है, और ये थोड़ा वॉल्यूमिनस कंटेंट है। देखिए, 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए से लेकर हमें 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज आई तक पढ़ना है, और बहुत आसान है, बातों को ध्यान से सुनते चले जाना, साथ साथ में याद भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन है 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP। 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी क्या बोलता है, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। फिर क्लॉज सी क्या बोल रहा है, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अब क्लॉज डी के 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, CA या फिर उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव किसी भी ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर ही नहीं सकते। CA या फिर उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव किसी भी ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन विद रिगार्ड टू रिलेटिव एक एक्सेप्शन है। अब मैं फिर से अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, CA या फिर उसका पार्टनर ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर ही नहीं सकते, इसमें कोई लिमिट का बात नहीं है। अब जब रिलेटिव जुड़ जाते हैं
दैट इज क्या रिलेटिव ग्रुप कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं क्या? ऐसे तो नहीं, लेकिन अप टू फेस वैल्यू 1,00,000 तक का सिक्योरिटी होल्ड करना अलाउड है। यही यहां पर लिखा गया है कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है कंपनी में, रिलेटिव होल्ड कर सकता है कंपनी में, ओनली कंपनी का बात है, ग्रुप कंपनी का बात नहीं है। वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू 1,00,000। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिक्योरिटी 1,00,000 से ज्यादा होल्ड किया है तब क्या होगा? तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा विद इन 60 days ऑफ एक्विजिशन। लेकिन ये करेक्टिव एक्शन की बात कब आएगी? जब रिलेटिव ने सिक्योरिटीज एक्वायर किया है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के आजू बाजू, तब आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा विद इन 60 days ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर रिलेटिव ने सिक्योरिटीज एक्वायर किया बहुत पहले, तो यहां पर आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा एजीएम में अपॉइंट होने से पहले। इतना समझ में आया? अच्छा, तो अब सवाल यह उठता है कि भैया तो रिलेटिव का डेफिनेशन क्या, यह भी बता दीजिए। तो देखिए, रिलेटिव में आते हैं आपके मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी पत्नी, ये अपना स्टेज वन हो गया। किस तरीके से याद होगा? देखो, मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी पत्नी, ठीक है, फिर बेटा की वाइफ बेटी का हस्बैंड। पहले इतना बोलो, मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी पत्नी, ये अपना स्टेप वन खत्म। स्टेप टू, बेटा की वाइफ बेटी का हस्बैंड, और अब कुछ जगह अपने को स्टेप 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 भी लगा देना है, दैट इज स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन्स, ये भी सारे के सारे रिलेटिव में ही आते हैं। देखिए, तो इट मींस मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर एंड डॉटर की हस्बैंड। इतना समझ में आया? फिर आ जाइए 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी का पार्ट नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है? सीए ग्रुप कंपनी से इंडेटेड हो ही नहीं सकता फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन 5,00,000। पार्टनर ग्रुप कंपनी से इंडेटेड हो ही नहीं सकता फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन 5,00,000। रिलेटिव ग्रुप कंपनी से इंडेटेड हो ही नहीं सकता फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन 5,00,000। अब मैं सुनो चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, सीए या फिर उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव, तीनों मिला जुला कर भी ग्रुप कंपनीज में इंडेटेड नहीं हो सकते हैं फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन 5,00,000। ये आपका 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी का पार्ट 2। अब आ जाइए 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी का पार्ट 3। ये क्या बोल रहा है? देखिए कि फॉर एग्जांपल ग्रुप कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन को लोन दिया और इस लोन का गारंटी सीए या फिर पार्टनर या फिर उसके रिलेटिव ने दिया, और ये जो गारंटी का अमाउंट है वो अगर 1,00,000 से ज्यादा होगा तो यहां पर भी ये लोग डिस्क्वालिफाइड है। ये हो गया आपका 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी का पार्ट नंबर 3। अब आइए क्लॉज ई में, जिसमें बोला जा रहा है बिजनेस रिलेशनशिप के रिगार्ड में कि अ पर्सन और फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरीज और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स एसोसिएट कंपनी या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये आपका हो गया क्लॉज ई खत्म। तो देखिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया है। हम लोगों ने ए बी सी डी ई इतना कंप्लीट कर लिया है, अब बचा रह गया अपना एफ जी एच और आई, और बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि यहां से सवाल आ जाए एग्जाम में। नो 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज एफ को अपने कंपैरिजन किए थे विद क्लॉज बी। क्लॉज बी में यह बोला गया था कि सीए जिस कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉई है उस कंपनी का ऑडिट यह नहीं कर पाएगा। सीए खुद जिस कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉई है उस कंपनी का ऑडिट वो नहीं कर सकता। लेकिन क्लॉज एफ में क्या बोला जा रहा है, सीए का रिलेटिव जिस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, की मैनेजरियल पर्सनल है, उसका ऑडिट ये सीए नहीं कर सकता। तो समझो फर्क क्या है। 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी क्या बोल रहा है, सीए खुद जिस कंपनी में ऑफिसर या फिर एम्प्लॉई है उस कंपनी का ऑडिट वो नहीं कर सकता। और क्लॉज एफ हमें क्या बोल रहा है, सीए का रिलेटिव जिस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, की मैनेजरियल पर्सन है, उसका ऑडिट वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आ जाइए क्लॉज जी में। अब क्लॉज जी क्या है, विद रिगार्ड टू सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट ऑफ 20 कंपनी। मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक ऑडिटर जो होता है वो 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट कर ही नहीं सकता, और ये 20 कंपनी का जो लिमिट है वो पर पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिट फर्म है जिसमें 4 पार्टनर है, तो हर एक पार्टनर पर 20 ऑडिट की लिमिट है, मतलब टोटल वो फर्म कितना ऑडिट कर सकता है, 20 × 4 = 80। ठीक है, अच्छा ये जो 20 कंपनीज का लिमिट देख पा रहे हो इसमें कुछ कुछ एक्सक्लूजन भी है। दैट इज अगर एक ऑडिटर चाहे, अगर एक सीएन प्रैक्टिस चाहे, तो वो 1% कंपनियां कितना भी ऑडिट कर सकता है,
वो डोरमेंट कंपनी कितना भी ऑडिट कर सकता है, वो स्मॉल कंपनी या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, इन सब का कितना भी ऑडिट करो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ध्यान देने वाला बात यहां पर यह है कि यहां पर कंपनीज की बात हो रही है, यहां पर कंपनीज की बात हो रही है, विच इंप्लाई कि एक ऑडिटर अगर चाहे तो वो ट्रस्ट की, सोसाइटीज की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, एचयूएफ की, एलएलपी की, जितनी चाहे ऑडिट करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सीलिंग लिमिट ना खाली बस दिखता ही है, ऐसे अगर वो चाहे तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या कोई सी भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेडअप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, एचयूएफ हो गया, एलएलपी हो गया, कितना भी ऑडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो आप लिमिट देख रहे हो 20 कंपनीज की, तो कौन सी ऑडिट के रिगार्ड में रिजिडिटी है? केवल और केवल स्टैट्यूटरी ऑडिट। द लिमिट इज ओनली फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर एक ऑडिटर चाहे तो वो कितनी भी इंटरनल ऑडिट का काम उठा सकता है, वो चाहे तो कितना भी एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता है, या फिर टैक्सेशन रिलेटेड भी वो एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है एक सवाल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट, और इसकी लिमिट के बारे में बताइए। देखिए, हमने अभी जो ये 20 कंपनीज की लिमिट के बारे में पढ़ा, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिट के रिगार्ड में है कि नहीं है? जी हाँ, तो सीलिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनीज इज पर पार्टनर। लेकिन यही जब टैक्स ऑडिट का बात आ जाता है, दैट इज फॉर्म 3CD ऑडिट का जब बात आता है, तो ये 20 की जगह कितना हो जाता है पता है? ये हो जाता है 60 ऑडिट। तो स्टैट ऑडिट में 20 कंपनीज का लिमिट है और टैक्स ऑडिट में आपका 60 कंपनीज का लिमिट है। अच्छा, अब ये जो लिमिट आप देख पा रहे हो, ये इंडिविजुअल के साथ साथ फर्म की लिमिट, ये इंडिविजुअल के साथ साथ फर्म लिमिट है, और ये जो 60 ऑडिट की आप लिमिट देख रहे हो, ये कोई इंडिविजुअल लिमिट नहीं है, ये केवल और केवल फर्म की लिमिट होती है। अब ये जो मैंने अभी आपको कहा, ये आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से बातों को रखूंगा, तुरंत क्लियर होगा। देखो, एक सीए फर्म है ABCDN कंपनी, इसमें कितने पार्टनर है? 4, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। अब जब स्टैट्यूटरी ऑडिट का बात आता है, तब देखिए क्या हुआ कि पार्टनर ए कितना ऑडिट कर सकता है? 20। पार्टनर बी कितना ऑडिट कर सकता है? 20। पार्टनर सी कितना ऑडिट कर सकता है? 20। एंड पार्टनर डी भी 20 का ही, 20 ऑडिट ही कर सकता है। तो इंडिविजुअली हर एक पार्टनर के पास 20 ऑडिट की लिमिट है, और पूरा फर्म कितना ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है? 80। लेकिन जब टैक्स ऑडिट का बात आता है, तो यहां पर कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है, तो 16 × 4 कितना हो गया? 240 हो गया। तो फर्म के पास कितनी लिमिट आई? 240 की। अब कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है कि हर पार्टनर को 60 ऑडिट करना पड़ेगा। देखिए, यहां पर पर्सन सी ने 230 टैक्स ऑडिट कर लिया, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन बी ने 5 ऑडिट एक्सेप्ट किया, पर्सन ए ने 5 टैक्स ऑडिट किया। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि टैक्स ऑडिट के केस में कोई इंडिविजुअल लिमिट चेक करने की दरकार नहीं है, आप केवल केवल फर्म की लिमिट देख लो। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 4 पार्टनर थे और हर एक पार्टनर 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है, तो फर्म की लिमिट कितनी होगी? 240। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक एक पार्टनर को 60 ऑडिट करना पड़ेगा। पार्टनर सी ने 230 ऑडिट कर लिया ना, तो पार्टनर ए जी आप 5 ऑडिट कर लो, पार्टनर बी आप 5 ऑडिट कर लो। ठीक है, लेकिन यही जब स्टैट ऑडिट का बात आता है, तो यहां पर फर्म लिमिट के साथ साथ इंडिविजुअल लिमिट भी है। जैसे कि एक फर्म में अगर 4 पार्टनर है और हर एक पार्टनर की 20 ऑडिट की लिमिट है, और टोटल फर्म की लिमिट कितनी होगी? 80। तो पार्टनर ए 20 ऑडिट से ज्यादा कर ही नहीं सकता, पार्टनर बी 20 ऑडिट से ज्यादा कर ही नहीं सकता है, पार्टनर सी 20 ऑडिट से ज्यादा कर ही नहीं सकता, और पार्टनर डी भी 20 ऑडिट से ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है कंसेप्ट आपका ब्रांच ऑडिट का। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि एक कोई कंपनी है जिसके मल्टीपल जगह में ब्रांचेस खुले हुए, एक ऑफिस है, 5 फैक्ट्री है, 6 गोडाउन है, 10 शोरूम है। तो यहां पर क्या होता है कि इन ब्रांचेस के ऑडिटर को कहा जाता है ब्रांच ऑडिटर। इन ब्रांचेस के ऑडिटर को क्या कहा जाता है? ब्रांच ऑडिटर। और ये जो एबीसी प्राइवेट कंपनी जो हेड कंपनी है, इसके ऑडिटर को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑडिटर। अब ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे भेजता है? प्रिंसिपल ऑडिटर को। ठीक है, अब कहानी यहां पर यह देखिए कि अगर एक ऑडिटर ने, समझ लीजिए, कोई एक ब्रांच का ऑडिट किया, वेदर वन ब्रांच ऑफ द कंपनी और मेनी ब्रांचेस एज इज टू बी काउंटेड एज वन ऑडिट इन द सीलिंग लिमिट ऑफ 20। देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑडिटर के पास एक सीलिंग लिमिट है 20 कंपनीज की। अब एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसके 10 ब्रांचेस खुले हुए, और क्या हुआ कि कोई सीए फर्म ने वो 10 ब्रांचेस की भी ऑडिट की और हेड ऑफिस का भी ऑडिट किया, तो क्या इसे 11 ऑडिट माना जाएगा? मतलब 11 जगह की ऑडिट हो गई क्या? जी नहीं, इसे एक ही ऑडिट माना जाएगा। वहीं यहां पर लिखा हुआ है, चाहे आप एक ब्रांच का ऑडिट करो या जितने ब्रांचेस का भी ऑडिट करो, उसे हम लोग एक ही ऑडिट मानेंगे इन द सीलिंग लिमिट ऑफ 20। अच्छा, प्रिंसिपल ऑडिट इंक्लूडिंग ब्रांच ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज टू बी काउंटेड एज वन ऑडिट इन द लिमिट ऑफ 20। यही मैंने अभी आपको बताया
कि एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी लिमिटेड, मेरे 10 ब्रांचेस खुले हुए, तो मैंने क्या किया? तो एक ऑडिटर ने क्या किया, हेड ऑफिस का ऑडिट किया और सारे के सारे ब्रांचेस का भी ऑडिट किया, इससे एक ही ऑडिट माना जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस का ऑडिट किया, ऑल 10 ब्रांचेस का, तो भी से एक ऑडिट माना जाएगा। आपने हेड ऑफिस के साथ साथ ब्रांचेस का ऑडिट किया, तो भी से एक ऑडिट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज एच। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए कि अ पर्सन हु हैज कन्विक्टेड, हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स हैज नॉट लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन, तो यहां पर क्या होगा, आपको सजा मिलती है 10 साल की। अभी हमने फ्रॉड रिलेटेड एनसीएलटी में भी देखा था सेक्शन नंबर 140 में, तो वहां पर क्या किया जाता है, ऑडिटर को बैन किया जाता है 5 साल के लिए। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि इफ फ्रॉड इज कमिटेड अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, तो वहां पर आपका डिस्क्वालिफिकेशन है आने वाले 10 साल के लिए, ठीक है। फिर आ जाइए 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज आई। अब यहां पर देखिए मैं सेक्शन नंबर 144 भी साथ साथ में कंप्लीट करवा दे रहा हूं। एक कोई पर्सन है, एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, जो क्या करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी का, ठीक है। तो फिर यह बात तय है कि सेक्शन नंबर 144 में जो भी सर्विसेज मेंशन किए गए हैं आप वो रेंडर नहीं कर सकते। बात को एकदम ध्यान से सुनना, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस किसी भी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडियरी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर वो कर, देन वो इस कंपनी में वो सर्विसेज रेंडर कर ही नहीं सकता जो सेक्शन नंबर 144 में लिखे गए हैं। और वो सर्विसेज क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विसेज। तो क्या क्या सर्विसेज आई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, तो हमने यह समझा कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, वो अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट की सेवाएं दे रहा है कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडियरी कंपनी को, तो वो ये सर्विसेज तो रेंडर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ आप कोई सर्विसेज नहीं दे सकते हो क्या? दे सकते हो। क्या क्या दे सकते हो? टैक्स ऑडिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जर एमलगमेशन एडवाइजरी सर्विसेज दो, स्टॉक ऑडिट दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो स्टैट ऑडिट के साथ साथ आप ये काम कर सकते हो, लेकिन स्टैट ऑडिट के साथ साथ आप ये काम तो नहीं कर सकते हो। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज आई भी कंप्लीट कर लिया। तो अब तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने देखते हैं एक बार। 141 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 खत्म, 141 सबसेक्शन 3 भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 141 सबसेक्शन 4। अब ये क्या कहानी है सुनो, एक ऑडिटर का समझ लो अपॉइंटमेंट होता है, वो कहां पर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। कौन अपॉइंट करते हैं? शेयरहोल्डर्स करते हैं। अब एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशन जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी वो चेक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो फॉर एग्जाम्पल हुआ ये कि जिस दिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई एनुअल जनरल मीटिंग में, उस समय कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया। तो अब कहानी इस समय क्या होगा, तो वही यहां पर बोला जा रहा है, आपको तुरंत ये मान लिया जाएगा कि आप हट गए हो, अब हमारी कंपनी का ऑडिटर कोई नहीं। और अगर आप हट गए हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैजुअल वैकेंसी। यही यहां पर लिखा है, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ही शैल वेकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर एंड सच वेकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। तो यहां पर हम लोगों का सेक्शन नंबर 141 भी हुआ समाप्त। तो देखिए अब तक हम लोगों ने कितने सेक्शंस पढ़ लिए हैं, सेक्शन नंबर 139 खत्म, 140 खत्म, 141 खत्म, और हम लोगों ने 142 भी पढ़ लिया है। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 1, 2 खत्म, 3 खत्म, और हमारा 141 सबसेक्शन 4 समाप्त, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 143, जिसके अंदर कुल मिलाकर 15 सबसेक्शन है। काफी सारी बातें हैं यहां पर बताने लायक, स्टूडेंट को वास्टनेस के कारण ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मैं बता रहा हूं 15-20 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक इतना आसान लगने वाला है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, ऑडिटर के क्या राइट्स होते हैं और वो कौन से मैटर्स हैं जिनके रिगार्ड में ऑडिटर को मैंडेटरीली इंक्वायरी करना होता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द राइट्स ऑफ ऑडिटर्स, जिसमें 8 पॉइंट्स हैं। देखिए
वो 8 पॉइंट के लर्न करने का तरीका भी इस पर्टिकुलर पेज में लिखा हुआ है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो एनुअल जनरल मीटिंग इज अवर फर्स्ट कीवर्ड, जिसे यूज करके अपने 2 पॉइंट बना लेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस को रिसीव करने का राइट और एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट किसके पास होता है? ऑडिटर के पास। तो अपना ये फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा, एनुअल जनरल मीटिंग कहां पे हेल्ड किया जाता है? ब्रांच ऑफिसर्स में। तो यहां से एक और पॉइंट बना, इंस्पेक्ट करना ब्रांच ऑफिसर्स एंड ब्रांच अकाउंट। अच्छा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में, और ये एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होने के बाद वो क्या करता है? ऑडिट करता है। तो ऑडिट वो क्या करेगा? इंस्पेक्ट वो क्या करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो तीसरा पॉइंट बना, इंस्पेक्ट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। अच्छा, अब ऑडिट जब कंप्लीट कर लिया तो अपना एक ओपिनियन को व्यक्त करेगा इन अ फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, जिसे अपने ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो यहां पर मैंने कहा था, पहले बोलो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, फिर कहो ऑडिट रिपोर्ट, फिर कहो ऑडिट रिपोर्ट। तो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट से ब्रांच ऑडिटर क्या करता है? अपना ऑडिट रिपोर्ट भेजता है किसको? प्रिंसिपल ऑडिटर को। तो प्रिंसिपल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या उसने एक ऑडिट रिपोर्ट रिसीव किया कि नहीं किया। तो देखिए, अपना चौथा पॉइंट है, रिसीव द रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर। अच्छा, अब जब आपको कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में साइन अगर करना है, तो पहले तो आप रिसीव करोगे, देन ओनली साइन करोगे ना। आप पहले ऑडिट रिपोर्ट रिसीव करोगे, देन ओनली उसमें साइन करोगे, और साइन करने के बाद क्या किया जाता है? उसे शेयरहोल्डर्स के सामने रीड किया जाता है। तो यहां पर देखिए, 3 पॉइंट और खत्म हो गया कि रिसीव द ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर, इसके बाद आप साइन करोगे उस ऑडिट रिपोर्ट को, और फाइनली यू नीड टू रीड द ऑडिट रिपोर्ट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। और किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो ऑब्टेन करना इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, यहां पर 7 पॉइंट खत्म हो गया। ये आपका पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और 8वां पॉइंट क्या है? अटेंड द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल देता हूं, एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस को रिसीव करने का राइट, अटेंड करने का राइट, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है ब्रांच ऑफिस में तो इंस्पेक्ट करना ब्रांच ऑफिसर्स एंड ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको याद रहेगा, इंस्पेक्ट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। फिर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले आप रिसीव करोगे ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप साइन करोगे ऑडिट रिपोर्ट को, और फाइनली यू नीड टू रीड ऑडिट रिपोर्ट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। और उस ऑडिट रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो ऑब्टेन करना इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अपना 8वां पॉइंट क्या है? अटेंड द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी। ठीक है, अब अपने देखते हैं स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ इंक्वायरी। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनके रिगार्ड में ऑडिटर को इंक्वायरी करना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग केवल और केवल तभी करेगा ऑडिटर जब उसे कुछ एडवर्स फाइंडिंग मिले। तो वो मैटर्स क्या क्या है? सबसे पहला, एकदम सीरियली याद रखना पड़ेगा, 6 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, क्या वो अगेंस्ट द सिक्योरिटी एनी एसेट दिए कि नहीं दिए? उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है ना? ये आपका पॉइंट नंबर 1। फिर है पॉइंट नंबर 2, बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस कहीं प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है, ये भी ऑडिटर चेक करेगा। तीसरा पॉइंट नंबर 3, कंपनी ने अगर कोई भी शेयर वगैरह सेल किए हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर सेल किए हैं, तो वो बिलो कॉस्ट चेक है, ये चेक कर लो, लेकिन ये अप्लाई नहीं करता है इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी में। फिर है पॉइंट नंबर 4, जो क्या बोल रहे हैं हमसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी ने कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए और उसको शो किया डिपॉजिट। तो 4 पॉइंट खत्म हो गए। 5वां पॉइंट क्या बोलते हैं कि डायरेक्टर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस को चार्ज तो नहीं किया गया ना रेवेन्यू अकाउंट में। और फाइनली क्या है कि अगर कंपनी ने कोई भी शेयर्स अलॉट किए हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो फॉर कैश या तो नॉट फॉर कैश। तो अगर शेयर्स अलॉटेड है फॉर कैश तो क्या कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, और अगर शेयर्स अलॉटेड है नॉट फॉर कैश देन अकाउंट बुक्स एंड बैलेंस शीट शुड बी करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, तो यहां पर अपना सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 हुआ कंप्लीट। अब अपने पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3। देखिए, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3, ये दोनों ही याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बैलेंस कुछ नहीं है इस टॉपिक में। तो मैंने सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 अच्छी तरीके से करवा दिया, अब अपने सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 पढ़ लें। तो इसे अपने क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं विद 143 सबसेक्शन 1। 143 सबसेक्शन 1 में कितने मैटर्स थे? 6 मैटर्स थे। 143 सबसेक्शन 3 में कितने मैटर्स हैं? 10 मैटर्स हैं। यहां पर जो 6 मैटर्स हैं, इनके रिगार्ड में रिपोर्टिंग केवल और केवल ऑडिटर तब करेगा जब फाइंडिंग एडवर्स है। लेकिन 143 सबसेक्शन 3 में जो ये 10 मैटर्स आप देख पा रहे हो, इसमें कंपल्सरीली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, कंपल्सरीली। एडवर्स फाइंडिंग है, फेवरेबल है, हमको कोई मतलब नहीं है, आपको इन 10 मैटर्स पर रिपोर्ट करना है, करना है, पक्का करना है। तो ये जो 10 मैटर्स है, इसको मैंने क्या किया था, 2 सेट में ब्रेक कर दिया था। एक जगह लिखा था मैंने 9 मैटर्स और आखिरी अपना 10th मैटर। 10th मैटर के अंदर कितने पॉइंट थे? 6 पॉइंट्स थे। और इन 9 मैटर्स को याद करवाने के लिए मैंने क्या लिखा था, 4 स्टेटमेंट बनाए थे।
चलिए पहले इन 9 मैटर्स को अच्छी तरीके से याद कर ले, फिर अपने इस 10th मैटर में जाएंगे। तो लेट्स लर्न ऑल 9 पॉइंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑडिटर का काम होता है, ऑडिटर का काम होता है ओपिनियन देना, ना कि अकाउंटिंग करना। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की, ऑडिटर का काम है उसे ऑडिट करके ओपिनियन देना। तो यही आपका है पहला स्टेटमेंट। तो ऑडिटर से याद आएगा आपको कि देखिए दो टाइप के ऑडिटर होते हैं, एक होता है ब्रांच ऑडिटर और एक होता है प्रिंसिपल ऑडिटर। तो ब्रांच ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सबमिट करता है? टू द प्रिंसिपल ऑडिटर। तो ये है अपना मैटर नंबर वन। दूसरा, अकाउंटिंग से आपको याद रहेगा कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस मैनेजमेंट ने किया है कि नहीं किया है। तीसरा, ओपिनियन से आपको क्या याद आना चाहिए कि कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एडवर्स रिमार्क या कोई भी रिजर्वेशन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिटर को दिखता है तो उस रिगार्ड में वो कमेंट करेगा। तो ये 3 पॉइंट खत्म हो गए। तो ऑडिटर का काम होता है ओपिनियन देना, ना कि अकाउंटिंग करना। तो ऑडिटर इज अवर फर्स्ट कीवर्ड, अकाउंटिंग इज अवर दूसरा कीवर्ड एंड ओपिनियन इज अवर तीसरा कीवर्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर वन से अपना 3 मैटर कंप्लीट हो गया। अब अपने स्टेटमेंट नंबर 2 में, डायरेक्टर का काम क्या होता है? फाइनेंस संभालना। तो डायरेक्टर से याद हमें क्या आएगा? उसका डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके रिगार्ड में कंपनीज एक्ट में आपने लॉ में पढ़ा होगा 164 सबसेक्शन 2। और फाइनेंस आपको क्या आ जाएगा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं इफेक्टिवली, ये ऑडिटर जी आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये जो 5th मैटर आप देख पा रहे हो इसमें एक नोट है जिसके रिगार्ड में मैं डिस्कशन बस 5-7 मिनट में करने वाला हूं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में देखिए हमारा 4th पॉइंट और 5th पॉइंट आ गया। अब अपने स्टेटमेंट नंबर 3 में आते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से एक पॉइंट बन जाएगा, इंफॉर्मेशन से अपना और एक और पॉइंट बनेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बोला जा रहा है कि ये ऑडिटर को देखना है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा लॉ बोलता है वैसा मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है। 7वां पॉइंट क्या है कि जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट वो मिले या नहीं मिले। तो कितने पॉइंट अब तक खत्म कर लिए हम लोगों ने? 7 पॉइंट खत्म कर लिए। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था? ऑडिटर का काम होता है ओपिनियन देना, ना कि अकाउंटिंग करना। तो ऑडिटर इज अवर फर्स्ट कीवर्ड, जिसे यूज करके एक पॉइंट बना कि ब्रांच ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है टू द प्रिंसिपल ऑडिटर। फिर अपने आगे ओपिनियन में, तो ओपिनियन किस रिगार्ड में? कि एनी क्वालिफिकेशन, एनी रिजर्वेशन, एनी एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ये ऑडिटर को चेक कर लेना है। फिर है अकाउंटिंग, तो क्या मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। तो ये अपना स्टेटमेंट नंबर 1 के 3 पॉइंट खत्म हो गए। अब अपने आगे स्टेटमेंट नंबर 2 में, डायरेक्टर का काम होता है फाइनेंस को संभालना। तो डायरेक्टर से याद आएगा डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164 सबसेक्शन 2। फिर है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंस आपको याद आएगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या ये ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं इफेक्टिवली। तो 5 पॉइंट खत्म हो गए, 5 मैटर्स खत्म हो गए। फिर अपने आगे स्टेटमेंट नंबर 3 में कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इंफॉर्मेशन होते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या पॉइंट बनेगा कि जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट लॉ बोलता है मेंटेन करने के लिए वैसा मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया। 7वां पॉइंट है इंफॉर्मेशन, कि जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दरकार फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट वो मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए, वो ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिए कि नहीं कर लिए। फिर अपने आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 में, जिसमें एडवर्स, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। तो एडवर्स से अपना 8वां पॉइंट बन जाएगा, बैलेंस शीट पीएनएल से अपना 9वां पॉइंट बनेगा। तो बैलेंस शीट पीएनएल वाला पॉइंट क्या बोला जा रहा है? देखिए कि कंपनी ने जो बैलेंस शीट, कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है तो उसका एक बेस तो होगा, उसका एक वाउचर तो होगा, उसका कुछ एंट्रीज तो मारा गया होगा। तो क्या वो एग्रीमेंट है कि नहीं विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न। और अपना 8वां पॉइंट क्या था कि ऑडिटर को अगर ऐसा कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखता है जिसमें उसको लगता है कि ये एडवर्स इफेक्ट दे सकता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का गोइंग कंसर्न में खतरा आ जाएगा, तो वहां पर ऑडिटर अपना कमेंट देगा। तो ये 9 के 9 मैटर्स हमारे खत्म हुए। अब हम लोग आ जाते हैं 10th मैटर में, जिसके अंदर 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में सबसे पहला है पी, दूसरा है पी और आखिरी है एफ। तो पी से क्या जाएगा कि क्या कंपनी के खिलाफ कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है, और अगर है तो क्या उसे डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया। फिर कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉस होने की संभावना है उसके रिगार्ड में प्रोविजन बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। और आखिरी पॉइंट क्या है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उसमें इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का थोड़ा बहुत प्रोविजन वगैरह होता है, उसमें आपको ट्रांसफर करना होता है। तो कंपनी ने कहीं डीलर तो नहीं किया ना ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो मैटर नंबर 10 में 6 पॉइंट्स है, जिसमें 3 पॉइंट हमने खत्म कर लिए। अब आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट में। 4th पॉइंट क्या बोलते हैं? देखिए कि कंपनी जी अगर आप इनडायरेक्ट लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली डिस्क्लोज कर दो। तो ऑडिटर को चेक करना है कि अगर कंपनी ने कोई भी इनडायरेक्ट लोन्स या फिर इन्वेस्टमेंट दिए तो वो डिस्क्लोज किए गए हैं कि नहीं किए गए। तो यहां पर जो 4th मैटर है इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस डायरेक्टली दिए। अब दूसरा केस क्या है, दैट इज 5th मैटर क्या, देखिए कि कंपनी ने डायरेक्टली लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दिए बल्कि
फंडिंग पार्टी ने कंपनी को माध्यम बनाया है टू गिव लोन्स या फिर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अल्टीमेट बेनिफिशियरी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी आप डिस्क्लोज करो। छठा पॉइंट क्या है कि अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो सेक्शन नंबर 143 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां पर हम लोगों ने 10 के 10 मैटर्स कंप्लीट कर लिए। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आप देख पा रहे हो इसके रिगार्ड में एक नोट है, तो वो नोट क्या, देखो बोला जाता है कि ऑडिटर किसी भी कंपनी का ऑडिट करे ऑल 10 मैटर्स जो भी हम लोगों ने पढ़े उसमें रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर 1% कंपनी का केस है, स्मॉल कंपनी का केस है, या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी, या कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो दोनों के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो दोनों कंडीशन में पहला है टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 करोड़ एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन 25 करोड़। अगर ऐसा कंपनी का ऑडिट कोई ऑडिटर कर रहा है तो उसे 10 के 10 मैटर्स पे रिपोर्ट करने की दरकार नहीं है, उसे 9 मैटर्स पे रिपोर्टिंग करेगा तो भी चलेगा। तो वो कौन सा मैटर है जो कि एक्सक्लूड हो गया, वो यही मैटर है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। ठीक है, अच्छा आगे मैं आपको बताता हूं कि आज जब भी कोई ऑडिट रिपोर्ट जाता है उसके साथ दो एनेक्सर जुड़ते हैं। पहला एनेक्सर होता है रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और दूसरा एनेक्सर होता है कारो 2020 पे। तो वही यहां पर लिखा गया है कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के रिगार्ड में बात कर रहे हो इसको इंक्लूड करना एज एन एनेक्सर टू द ऑडिट रिपोर्ट। तो यहां पर अपना सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 भी हुआ कंप्लीट। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भी सेक्शन नंबर 143 पढ़ने के लिए बैठो पहले 143 सबसेक्शन 1 और फिर 143 सबसेक्शन 3 देखो, इसके बाद कुछ नहीं है, फटाफट कंप्लीट होगा सारे के सारे टॉपिक्स। अब हमने स्टार्ट करें 143 सबसेक्शन 2 एंड 143 सबसेक्शन 4। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए कि एक ऑडिटर ऑडिट जो करता है इसके बाद उसका काम कंप्लीट तब होता है जब वो अपना एक ओपिनियन व्यक्त करे, अपना एक राय दे, और वो राय देता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट जिसे अपने ऑडिटर रिपोर्ट कहते हैं। तो उसमें वो तीन बातें बताता है। पहला ये बोलता है कि कंपनी ने जो बैलेंस शीट पीएनएल बनाया क्या शेड्यूल 3 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया, बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल ये होती है कि जो मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट पीएनएल बनाया है वो ठीक से वो उसमें सारी की सारी सच्चाई है कि नहीं, मतलब वो ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिट क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस किया गया है कि नहीं किया गया है, और ऑडिटर भी ये वाला बात बताएगा कि हमने जो ऑडिट किया उसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का मैंने कंप्लायंस किया है या नहीं किया है, जो बैलेंस शीट पीएनएल मैनेजमेंट ने बनाया है क्या वो ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको हो गया 143 सबसेक्शन 2। अब 143 सबसेक्शन 4 में आइए। देखिए ऑडिटर दो टाइप की ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, एक वो देता है मॉडिफाइड ओपिनियन और एक देता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो व्हेनेवर एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई रीजन देने की दरकार नहीं होती है। लेकिन व्हेनेवर एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस मॉडिफाइड ओपिनियन, अब मॉडिफाइड ओपिनियन के भी तीन टाइप होते हैं, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड क्वालिफाइड ओपिनियन, तो वहां पर आपको रीजन देने का दरकार पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोगों ने 143 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आ रहे हैं 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7। इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, ये गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्ड में कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ऑडिटर को और डायरेक्शन देता है कि देख भैया तुझे इस तरीके से ऑडिट करना है, तो ऑडिटर उसी डायरेक्शन के हिसाब से अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया और अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देता है टू द सीएनएजी। अब सीएनएजी के पास जब ऑडिट रिपोर्ट आई वहां से 60 दिन के अंदर वो बोलेगा मैंडेटरी कि सप्लीमेंट्री ऑडिट होना चाहिए और अपना वो कमेंट दे देगा। यह है आपका 143 सबसेक्शन 5, 143 सबसेक्शन 143 सबसेक्शन 5 एंड 143 सबसेक्शन 6। 143 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि सीएनएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट तो मैंडेटरी कंडक्ट करवाएगा ही, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट में शैल है, टेस्ट ऑडिट में मे है। इतना समझ में आया? तो यहां पर हम लोगों ने 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं 143 सबसेक्शन 8। इसमें दो तीन बातें हैं जो कि काफी पर्टिनेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रांच ऑडिट पर है ये पर्टिकुलर सबसेक्शन। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है, टू द प्रिंसिपल ऑडिटर, लेकिन प्रिंसिपल ऑडिटर जो होता है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है टू द शेयर होल्डर। ब्रांच ऑडिटर के पास जनरल मीटिंग अटेंड करने का कोई राइट नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑडिटर के पास जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है। ठीक है, जिस तरीके से एक प्रिंसिपल ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें एक मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ दो एनेक्सर जुड़ते हैं कि रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड कारो 2020, सिमिलरली ब्रांच ऑडिटर का भी जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें दो एनेक्सर जुड़ते हैं, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड कारो 2020। अब सवाल यह उठता है कि ये ब्रांच ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं। जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक उसी तरीके से
ब्रांच ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर ही करते हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर चाहे तो यह पावर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी का ब्रांचेज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कंपनी के कुछ ब्रांचेज है तो हर ब्रांच का ऑडिट होना मैंडेटरी है। अगर कोई भी ब्रांच का ऑडिट छूट गया तो ये बात आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये अपना 143 सबसेक्शन 8 भी हुआ समाप्त। फिर आ जाइए 143 सबसेक्शन 9, 10 एंड 11। 9 और 10 क्या बोलता है कि ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। देखिए जब भी एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बना के रखे हैं कि ऑडिट के दौरान आपको इन चीजों का पालन करना है, इन चीजों का कंप्लायंस करना है। तो ऑडिटर यह बात बोलता है कि मैंने सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस किया है, और सेपरेट एनेक्सर जाता है कारो 2020 का। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने 143 सबसेक्शन 1 से लेके 143 सबसेक्शन 11 तक कंप्लीट कर लिया। सो नाउ लेट स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 विच डील्स विद फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। अब देखिए एक ऑडिटर समझ लो किसी भी एंटिटी का, फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को ऑडिट करने के लिए गया, तो जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि उसे कोई फ्रॉड मिल जाए? तो अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी नोट 1 में, लेकिन अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो इसके रिगार्ड में 2 केसेस है। तो चलिए अपने पहले केस 1 पढ़ते हैं, फिर अपने केस 2 देखेंगे। तो फ्रॉड अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़, इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए। इफ द ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज डिस्कवर फ्रॉड फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़, तो जिस दिन उसने डिस्कवरी की, ऑडिटर को जिस दिन पता चला कि ठीक है यार फ्रॉड है यहां पे, वहां से 2 दिन के अंदर उसे बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी को रिप्लाई करना है नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। अगर ऑडिटर ने रिप्लाई रिसीव कर लिया तो ADT4 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल किया जाएगा। क्या यह ADT4 एक सील्ड एनवेलप में जाता है क्या? जी हाँ, ये एक सील्ड एनवेलप में जाएगा, और साथ साथ इसे पोस्ट भी करवाना पड़ता है, पोस्ट करवाने के साथ साथ ईमेल भी करना पड़ेगा। तो देखिए यह लिखा हुआ है कि ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज डिस्कवर फ्रॉड फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़, तो जिस दिन ये पता चला ऑडिटर को, वहां से 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी को। तो क्या इन्फॉर्म किया जाएगा? नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व कितना है फ्रॉड में, और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है ये जो फ्रॉड ऑडिटर ने डिटेक्ट किया। सीकिंग द रिप्लाई इन नेक्स्ट 45 डेज, अगर रिप्लाई रिसीव हो गया तो फिर ADT4 आपको अगले 15 दिन में फाइल कर देना है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये ADT4 एक सील्ड एनवेलप में जाएगा क्या? जी हां, पोस्ट करना पड़ेगा फॉलोड बाय एन ईमेल। तो सवाल अब ये उठता है कि इस ADT4 का कंटेंट क्या क्या रहेगा। जो रिप्लाई रिसीव हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमिटी से, ये ADT4 के कंटेंट में रहेगा। नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन है, ये भी आपका ADT4 के ही कंटेंट में जाएगा। और इसके साथ साथ ऑडिटर का क्या ऑब्जर्वेशन है ऑन सच रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी, तो ये है आपका ADT4 का कंटेंट। अच्छा, ये जो ADT4 है शैल बी ऑन द ऑडिटर्स लेटर हेड कंटेनिंग ऑडिटर्स का पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मेंबरशिप नंबर। तो ये आपका हो गया केस 1। केस 1 क्या है, अगर रिप्लाई रिसीव हुआ, अगर रिप्लाई रिसीव हुआ फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी। तो केस 2 क्या होगा, अगर रिप्लाई नहीं रिसीव हुआ तो क्या है? तो देखिए, इफ ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज डिस्कवर फ्रॉड फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़, तो जिस दिन ऑडिटर को ये फ्रॉड के बारे में पता चला, वहां से 2 दिन के अंदर वो क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी को अबाउट द नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व, सीकिंग द रिप्लाई नेक्स्ट 45 डेज। लेकिन 45 डेज के बाद भी रिप्लाई नहीं आया तो क्या ADT4 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल होगा क्या? जी हाँ, चाहे रिप्लाई रिसीव हो चाहे रिप्लाई रिसीव ना हो, ADT4 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल करना है। क्या यह ADT4 एक सील्ड एनवेलप में जाएगा क्या? जी हाँ, पोस्ट करवाना पड़ेगा फॉलोड बाय एन ईमेल। ADT4 का कंटेंट क्या क्या रहेगा, पहले तो ऑडिटर यह बता देगा कि हमने कोई रिप्लाई रिसीव नहीं किया है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी में, कमिटी से। दूसरा वो बताएगा अबाउट द नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व। तो यह है आपका केस 2। ठीक है, देखिए कंटेंट क्या है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, विद अ नोट दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी। तो क्या ये दोनों केसेस अपने कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? अब सवाल उठता है, अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन 1 करोड़ तो क्या होगा? तो देखिए, इफ ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज डिस्कवर्स फ्रॉड फॉर एन अमाउंट लेस देन 1 करोड़,
तो ऑडिटर शैल विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज ऑफ फ्रॉड शैल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी सीकिंग द रिप्लाई इन नेक्स्ट 45 days. ये तो पूरा का पूरा कंटेंट सेम है. अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करे अबाउट द नेचर ऑफ फ्रॉड, अबाउट अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, और कंपनी ने क्या रेमेडियल एक्शंस लिए हैं टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ फ्रॉड इन फ्यूचर. अगर कोई रेमेडियल एक्शंस नहीं लिए गए हैं देन आपको पार्टीज इन्वॉल्व मेंशन करना पड़ेगा. अगर कंपनी ने यह बताया कि आगे ऐसा फ्रॉड ना हो इसके लिए हमने ऐसे रेमेडियल एक्शंस लिए हैं तो पार्टीज इन्वॉल्व मेंशन करने का कोई दरकार नहीं है. लेकिन अगर आपने रेमेडियल एक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो आपको पार्टीज इन्वॉल्व बताना पड़ेगा. यह है आपका नोट 1. यह जो पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 हमने देखा, इसका लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है. इफ ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज डिस्कवर फ्रॉड फॉर एन अमाउंट लेस देन 1 crore या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 crore, मतलब ये हो गया कि ऑडिटर ने अगर फ्रॉड डिस्कवर किया है तो 143 सबसेक्शन 12 अट्रैक्ट होगा. लेकिन अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर को इन्फॉर्म किया अबाउट फ्रॉड तो ये कोई ड्यूटी नहीं बनती है टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है? देखिए, इफ ऑडिटर हिमसेल्फ डिस्कवर द फ्रॉड देन ही हैज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन इफ इन केस मैनेजमेंट ने ऑडिटर को इन्फॉर्म किया अबाउट फ्रॉड तो ये कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एडीटी 4 फाइल हो. तो यहां पर अपना 143 सबसेक्शन 12 पूरा का पूरा हुआ खत्म. अब आइए 143 सबसेक्शन 13. इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए, एक ऑडिटर किसी भी कंपनी का जब ऑडिट करने जाता है तो ये गारंटीड है कि वो सारे की सारी चीजों का डिटेल में चेकिंग नहीं कर सकता है. इम्पॉसिबल है. लॉ ये बोलता है कि भैया देखो, हम लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन का लिमिटेशन आ जाता है, टाइम का लिमिटेशन है. बट आपसे ये बोला जा रहा है कि इंटेंशन अगर सही है, आप अपनी सच्चाई से काम करो, ईमानदारी से काम करो, ये पूरा का पूरा प्रयत्न करो कि शेयरहोल्डर्स को आप धोखा ना दो. इसके बाद अगर कोई फ्रॉड अनडिटेक्टेड रह जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो इफ ऑडिटर हैज डिटेक्टेड इन गुड फेथ देन ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल इवन इफ सम फ्रॉड्स कुड नॉट बी रिपोर्टेड. 143 सबसेक्शन 14. ये जो प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्रॉड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या ये कंपनी सेक्रेटरी पर अप्लाई करता है क्या? जी हाँ. क्या ये कॉस्ट अकाउंटेंट पर अप्लाई करता है क्या? जी हाँ. इफ ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डू नॉट कंप्लाई विद द अबव प्रोविजंस तो पेनल्टी लगेगा लिस्टेड कंपनी केस में 5 lakh और एनी अदर कंपनी केस में 1 lakh. तो यहां पर पूरा 143 हमारा खत्म हो चुका, ऑल 15 सेक्शन, जिसमें बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 5, 6, 7 एंड 143 सबसेक्शन 12. पहले आपको यह पढ़ना चाहिए, उसके बाद बैलेंस रेसिडुअरी सेक्शन आपको जाना चाहिए. ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने 139 कंप्लीट कर लिया, 140 कंप्लीट कर लिया है, 141 ओवर हो चुका, 142 खत्म, 143 खत्म और हम लोगों ने 144 भी कंप्लीट कर लिया है. अब अपने जो पेंडिंग सेक्शंस रह गए हैं जो कि बहुत ही छोटू मोटू सेक्शंस हैं, वो फटाफट उठाते हैं, फटाफट इसे सलटाते हैं. सो सेक्शन नंबर 145, ऑडिटर टू साइन रिपोर्ट. क्या ऑडिटर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है और उसके बाद ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं? तो वो ऑडिट रिपोर्ट में साइन कौन करेगा? ऑडिटर ही करेगा. यही आपका सेक्शन नंबर 145 बोलता है. साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एक ऑडिटर 2 टाइप के ओपिनियन दे सकता है, या तो मॉडिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन. इफ द ऑडिटर इज एक्सप्रेसिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एक ऑडिटर ने अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है, तब उस समय क्या होगा? उस समय ऑडिटर को रीजन बताना पड़ेगा कि किस लिए हमने इस टाइप के ओपिनियन को एक्सप्रेस किया है, और किसे बताना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा. तो इट शुड बी मेंशन्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ उसने क्वालिफाई किया अपने रिपोर्ट को या फिर एडवर्स रिमार्क दिया है, विच हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी एंड शैल बी रेड बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग एंड शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो यहां पर अपना सेक्शन नंबर 145 हुआ समाप्त. अब आ जाइए सेक्शन नंबर 146, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. हम लोगों ने 143 सबसेक्शन 1 में राइट्स ऑफ ऑडिटर्स में देखिए ऑलरेडी बता दिया था कि एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस को रिसीव करने का राइट ऑडिटर के पास होता है, एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट ऑडिटर के पास होता है. साथ ही साथ यहां पर एक और बात बोला जा रहा है कि अगर एक ऑडिटर चाहे तो उसकी बात को सुना जाए, यह भी ऑडिटर का राइट है. ऐसा नहीं ऑडिटर बकर उसको कोई सुनी नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस को रिसीव करने का राइट, एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट एंड राइट टू बी हर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, ये सारे के सारा आपका सेक्शन नंबर 146 में आता है. फिर आ जाइए सेक्शन नंबर 147, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. ये क्या बोल रहे हैं? देखिए,
हम लोगों ने अभी तक जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं, सेक्शन नंबर 139 से लेके 146, इसमें बोला जा रहा है इसका कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपनी ने किया है तो मिनिमम पेनल्टी 25,000 है, मैक्सिमम पेनल्टी 5,00,000। लेकिन अगर 139 से लेकर 146 का कॉन्ट्रावेंशन ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने किया तो आपका मिनिमम पेनल्टी 10,000 है और मैक्सिमम पेनल्टी कितना है, 1,00,000। 139 सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर 144 एंड सेक्शन नंबर 145 का कॉन्ट्रावेंशन ऑडिटर ने अगर इंटेंशनली किया तो मिनिमम पेनल्टी 50,000 है और मैक्सिमम पेनल्टी कितना है, 25,00,000 और 8 times ऑफ द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर प्लस दैट इज यहां पर एंड इम्प्रिजनमेंट लेस देन इक्वल टू 1 year। ये आपका हो गया एक और बात। फिर सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर 144 एंड सेक्शन नंबर 145 का कॉन्ट्रावेंशन अगर ऑडिटर ने अनइंटेंशनली किया तो पेनल्टी जो पहले 50,000 था वो घट के हो जाएगा 25,000। पहले जहां पे 25,00,000 लग रहा था अब लगेगा आपका 5,00,000, यहां पर 8 times था, यहां पर है 4 times, विच एवर इज लोअर। इम्प्रिजनमेंट का कोई बात नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 147 भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 148 में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखिए जिस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, फॉर्म 3CD का टैक्स ऑडिट होता है, ठीक उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंट्स का कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। ये कॉस्ट ऑडिट करते कौन है, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स कौन है, जो CMA की डिग्री ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा और आसान बनाने के लिए क्या किएंगे, कंपैरिजन करते हैं विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द शेयरहोल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसे तो ऑलरेडी, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जब कॉस्ट ऑडिटर का बात आता है तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड मीटिंग में करते हैं बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन विद इन 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये यहां पर लिखा हुआ है। ऐसा कोई बंदा जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है, क्या वो सेम बंदा उसी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट कर सकता है क्या? जी नहीं। कंपनीज ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 148। अच्छा, जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो आप क्या करते हो, ADT 1 फाइल करते हो ROC के पास विद इन 15 days ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन जब एक कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात आती है तो आप ADT 1 फाइल नहीं करते हो, आप क्या करते हो, आप CRA 2 फाइल करते हो विद ROC विद इन 30 days ऑफ द बोर्ड मीटिंग या फिर 180 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का टेन्योर होता है 5 साल, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th annual जनरल मीटिंग। लेकिन एक कॉस्ट ऑडिटर की जब बात आती है तो इसका टेन्योर होता है 1 साल। अच्छा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ऑडिट रिपोर्ट और शेयर करते हैं स्टेक होल्डर्स के पास। और यह जो ऑडिट रिपोर्ट होता है यह एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनता है। लेकिन जब कॉस्ट ऑडिटर का बात आता है तो ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, ये लोग कॉस्ट स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं जिसको शेयर नहीं किया जाता विद एनीवन। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो स्टैंडर्ड नोटिफाई किया है उनका कंप्लायंस करने के बारे में उनका ज्यादा से ज्यादा इच्छा रहता है। लेकिन एक कॉस्ट ऑडिटर जो रहते हैं उनका कंप्लायंस किस रिगार्ड में होता है, विद रिगार्ड टू ICMAI स्टैंडर्ड। कैजुअल वैकेंसी के रिगार्ड में हमें यह बात पता है कि अगर वैकेंसी अराइज हुई है ड्यू टू रेजिग्नेशन तो डुअल अप्रूवल लेना पड़ता है। पहला तो आप क्या करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो विद इन 30 days और दूसरा नेक्स्ट 3 months में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लेकिन अगर वैकेंसी अराइज हुई है ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन रेजिग्नेशन तो वो फिल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days। कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट ऑडिटर का जो पोजीशन है उसमें अगर वैकेंसी आई तो क्या होगा, तो इट इज टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days एंड इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्फॉर्म CRA 2 विद इन 30 days ऑफ द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अगर रिमूव करना है तो हम लोग सेक्शन नंबर 140 में अच्छी तरीके से देखे थे कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को AGM में हटाया जा सकता है, AGM से पहले हटाया जा सकता है या फिर NCLT में हटा सकता है। तो 140 में हम लोगों ने पढ़ लिया है। कॉस्ट ऑडिटर को अगर हटाना है तो सिंपल सा बात है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो बोर्ड मीटिंग में। फिर हम लोग कुछ सिमिलैरिटी भी देखते हैं बिटवीन द कॉस्ट ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो डिस्क्वालिफिकेशन हम लोगों ने सेक्शन नंबर 141 में पढ़ा था विद रिगार्ड टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वही सेम डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है फॉर कॉस्ट ऑडिटर। कोई भी कॉन्ट्रावेंशन अगर सेक्शन नंबर 148 में हुआ तो आपको पेनल्टी है सेक्शन नंबर 147 में, जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया।
अब आते हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखिए ऐसे इस दुनिया में काफी सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है, लेकिन जब कॉस्ट ऑडिट का बात आता है तो उसका रिजिडिटी है ओनली टू 39 इंडस्ट्रीज, और उन 39 इंडस्ट्रीज को भी दो टेबल से ब्रेक कर दिया गया है। टेबल ए में आता है आपका पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रीज, और टेबल बी में आते हैं आपके सारे के सारे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। कहने का मतलब यह है कि टेबल ए में है आपके रेगुलेटेड सेक्टर्स और टेबल बी में आपके नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। अच्छा, क्या ये जो भी इंडस्ट्रीज टेबल ए में है या फिर जो भी इंडस्ट्रीज आपके टेबल बी में है, इन्हें क्या कॉस्ट अकाउंट बनाना ही है क्या, इन्हें क्या कॉस्ट ऑडिट करवाना ही है क्या? जी नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, एक लिमिट दिया गया है। टेबल ए वाले इंडस्ट्रीज को कॉस्ट अकाउंट तब बनाना है, टेबल बी वाले इंडस्ट्रीज को कॉस्ट अकाउंट तब बनाना है जब इनका एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 करोड़। लेकिन जब कॉस्ट ऑडिट की बात आती है तो टेबल ए वाले को देखना है दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और वो दो कंडीशन में पहला यह है कि एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ एंड कवर्ड टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 करोड़। जबकि टेबल बी वालों के लिए क्या है, ये 50 करोड़ बन जाएगा 100 करोड़ और 25 करोड़ बन जाएगा 35 करोड़। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या हो गया, टेबल ए टेबल बी प्लस अदर्स इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और कवर्ड टर्नओवर में आ गया आपका टेबल ए प्लस टेबल बी। अब यहां पर कुछ नोट्स हैं जो अपने देख लेते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन नंबर 148 हम समझ रहे हैं, क्या ये इसके कुछ एग्जेम्पशंस है क्या? जी हाँ। पहले, कोई सी भी कंपनी ऐसी है जिसका 75% से ज्यादा रेवेन्यू अगर एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है तो उस पर सेक्शन नंबर 148 अप्लाई नहीं करता है। जो यूनिट्स आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है या फिर जो यूनिट इन्वॉल्व इन कैप्टिव कंजम्पशन, वहां पर भी सेक्शन नंबर 148 अप्लाई नहीं करेगा। फिर आ जाइए नोट टू में। नोट टू क्या बोलता है कि ये जो पूरा का पूरा कॉस्ट ऑडिट अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहां पर चार फॉर्म्स है। पहला है फॉर्म CRA1, दूसरे फॉर्म CRA2, CRA3, CRA4। CRA1 बताता है कि मैनर इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन। CRA2 आपका बताता है इंटीमेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। CRA3 है फॉर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड CRA4 है आपका फाइलिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अपने आते हैं रेमुनरेशन क्या है कॉस्ट ऑडिटर का। अगर ऑडिट कमिटी एग्जिस्ट करती है तो रेमुनरेशन को रिकमेंड करेगा ऑडिट कमिटी, फिक्स करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मोहर लगाएगा मेंबर्स। लेकिन अगर ऑडिट कमिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तब इस रेमुनरेशन को फिक्स करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट शैल बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स। तो देखिए हम लोगों ने कितने सेक्शंस कंप्लीट कर लिए, 145 खत्म, 146 खत्म, 147 एंड 148 हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 132, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके रिगार्ड में आप नाफरा का स्ट्रक्चर केवल देख लीजिएगा, थोड़ा फंक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड सेक्शन नंबर 132 जो अपना ऑडिट कमेटी के रिगार्ड में है उसके मैंने आपको फंक्शन बोले थे पढ़ने के लिए, वो ध्यान से देखे जाइएगा। तो यहां पर हम लोगों का कंपनी ऑडिट जो है वो पूरा का पूरा हुआ समाप्त। देखिए हम लोगों ने कंपनी ऑडिट कंप्लीट कर लिया, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑन विद अ न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर हमें चार स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन करना है, एसए 700, 701, 705, 706 और कारो के 21 क्लॉजेस की डिटेल में चर्चा होगी। तो चलिए अपने एसए 700 से इस चैप्टर का शुभारंभ करें, विच डील्स विद फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कुछ 13 बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला आता है आपका टाइटल, दूसरा एड्रेसी, देन रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर काफी सारी बातों का जिक्र होता है, जिसमें पहला है आपका ओपिनियन, दूसरा बेसिस फॉर ओपिनियन, इसके बाद एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न एजम्पशन, की ऑडिट मैटर्स, अदर मैटर पैराग्राफ, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद हो गया अदर मैटर पैराग्राफ। फिर हमने देखे थे
रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर 143 सबसेक्शन 11 एंड 143 सबसेक्शन 3 में जो 10 मैटर्स है उसकी रिपोर्टिंग होती है, देन सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। तो यही है आपका फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद हमने यह भी समझा कि 4 के बाद देखिए डायरेक्टली 5 नहीं है, पहले आता है 4A। सिमिलरली 6 के बाद डायरेक्टली 7 नहीं है, पहले आता है 6A। सिमिलरली 9 के बाद डायरेक्टली 10 नहीं है, पहले आता है 9A। तो 4A, 5, 6A, 9A वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो किसी ऑडिट रिपोर्ट में हो भी सकती है और किसी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं भी हो सकती है, लेकिन बैलेंस जितने भी एलिमेंट्स है वो हर ऑडिट रिपोर्ट में होंगे। देखिए 4A, 6A, 5 एंड 9A, ये जो चार एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर ऑडिट रिपोर्ट में ये चारों के चारों एलिमेंट्स आपको मिले, किसी में हो भी सकते हैं किसी में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपको हर ऑडिट रिपोर्ट में मिलेंगे, मिलेंगे पक्का मिलेंगे। अब अपने एक एक एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला आ जाता है टाइटल। टाइटल इंडिकेट्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। जैसे ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करता है और अपनी एक ओपिनियन जो है वो व्यक्त करता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, तो उसे अपना ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो यही होता है आपका टाइटल। फिर आ जाइए एड्रेसी। आज अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं और मेरा क्लाइंट अगर कोई कंपनी होगा, तो मैं जो ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा वो किसके लिए बनाऊंगा, शेयर होल्डर्स के लिए। सिमिलरली अगर मेरा कोई क्लाइंट पार्टनरशिप फर्म होगा तो मेरा जो ऑडिट रिपोर्ट होगा वो किसके लिए होगा, पार्टनर्स के लिए होगा। तो ये हो गया एड्रेसी, मतलब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे एड्रेस कर रहे हो। देन ओपिनियन में आइए। यहां पर दो बातों का चर्चा होता है, पहला ओपनिंग पैराग्राफ, दूसरा ओपिनियन पैराग्राफ। अब ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर 5 बातें हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई करो कि कौन से एंटिटी का ऑडिट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाते वक्त बोला था कि एनटीपीसी का ऑडिट हो रहा है। दूसरा एलिमेंट क्या है, एनटीपीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है। फिर स्पेसिफाई द डेट और द पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब समझो बात को, एनटीपीसी का ऑडिट हो रहा है, एनटीपीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, फिर अपने ये वाला बात भी बोलेंगे कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक मैंने ऑडिट किया है, तो स्पेसिफाई द डेट और पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर क्या है, टाइटल और नोट्स। तो ये अपना ओपनिंग पैराग्राफ की पांचों बातें हुई कंप्लीट। फिर आ जाइए ओपिनियन पैराग्राफ। अब ओपिनियन पैराग्राफ का जो ड्राफ्टिंग था उसको मैंने 4 स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में कीवर्ड क्या है, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। तो इन आवर ओपिनियन, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन है जो कंपनी एक्ट 2013 चाहता है और उसी मैनर में है जैसा कंपनी एक्ट 2013 चाहता है। ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश कैश फ्लो एंड चेंजेस इन इक्विटी। तो ये आपका हो गया ओपिनियन पैराग्राफ। फिर अपने आ जाते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन में। अब यहां पर देखिए कि ऑडिटर अपनी जो राय व्यक्त करता है, अपने ओपिनियन जो देता है, उसकी एक बेसिस तो होनी चाहिए ना, कोई फाउंडेशन तो होना चाहिए कि ऐसे हवा में वो अपना ओपिनियन दे देगा। 100% उसका एक नींव होना चाहिए, उसका एक फाउंडेशन होना चाहिए। तो वो फाउंडेशन होता है कि ऑडिटर को सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लेना। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी ऑडिटर अपनी एक ओपिनियन दे रहा है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है कि मैंने इतने एविडेंस कलेक्ट कर लिए कि मैं एक ओपिनियन देने के स्थिति में आ चुका हूं। साथ ही साथ वो ये भी बोलेगा कि मैं जो ये ओपिनियन दे रहा हूं मैं किसी के दबाव में नहीं दे रहा हूं, मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हूं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो कोड ऑफ एथिक्स रिलीज किए हैं उसे भी मैंने फॉलो किया है, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मैंने कंप्लायंस किया है, आप लोग टेंशन मत लो शेयर होल्डर जी। बिकॉज एक ऑडिटर जो अपनी ओपिनियन देता है, जो एक अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, वो किसके लिए बनाता है, शेयर होल्डर के लिए बनाता है कि नहीं। तो यहां पर अपना चौथा एलिमेंट खत्म हुआ। फिर अपने आ जाते हैं एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाती है एसएस 706 में। फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब ये पैराग्राफ जो है आपको हर ऑडिट रिपोर्ट में नहीं मिलता है, लेकिन एक बात को समझो कि मैं जैसे एक ऑडिटर हूं और मुझे दिख रहा है कि मेरा जो क्लाइंट है फॉर एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका हालत एकदम खराब होने वाला है, तो क्या यह बात मुझे शेयर होल्डर्स को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। तो अगर एक ऑडिटर किसी ऐसे क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है जिसमें उसको दिख रहा है यार ये एंटिटी का फ्यूचर नहीं है, ये बर्बाद होने वाली है, तो पहले ही शेयर होल्डर्स को बता दो। लेकिन अगर ऑडिटर को समझ में आता है नहीं यार ये एंटिटी अच्छा चल रहा है, तो फिर जरूरी नहीं आपको बताना, ठीक है। मतलब कुछ खराब है तो आप शेयर होल्डर्स को बताओ, अगर अच्छा है तो बताने की दरकार नहीं है। की ऑडिट मैटर्स के बारे में एसएस 701 में हम लोग पढ़ेंगे।
फिर अपने आगे मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, थोड़ी ये वाला बात बता दो। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी हमेशा मैनेजमेंट की होती है, और मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग कौन करता है? ऑडिटर। तो ये अपना पहला पॉइंट है कि प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएस। इसके बाद मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल अपने ऐसे बना लेने चाहिए कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे या फिर करने वाले हैं उसमें कोई भी फ्रॉड, उसमें कोई भी एरर ना हो। साथ ही साथ मैनेजमेंट को ही ये असेस करना है कि उनका एंटिटी का फ्यूचर है या नहीं है, दैट इज टू असेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये अपना सेवेंथ एलिमेंट खत्म हुआ। अब आ जाते हैं अपने आठवें एलिमेंट में कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, एट द एंड एक ऑडिटर क्या है, इंसान ही है, 100% चेकिंग वो नहीं कर सकता, ये बात मानना पड़ेगा। आज कोई अगर ऐसा क्लाइंट है जिसका हर दिन 10-10 हजार ट्रांजेक्शन होता है और ऑडिटर को बोला जा रहा है कि भैया तू 15 दिन में पूरा का पूरा ऑडिट करके बता दे, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि वो हर एक ट्रांजेक्शन का डिटेल में चेकिंग कर सके? जी नहीं। तो वो क्या करता है, सैंपलिंग बेसिस में जाता है कि कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर लिया और मैंने सोच लिया कि हाँ यार सब ठीक है। तो ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देगा वो हमेशा लिखेगा कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड या फिर एरर नहीं है। तो ऑडिटर हमेशा एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज मिसस्टेटमेंट अराइज होंगे ही होंगे फ्रॉम फ्रॉड और एरर, क्योंकि 100% चेकिंग तो मैं कर ही नहीं रहा हूं ना। अच्छा, साथ ही साथ ऑडिटर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करे, और पूरे ऑडिट के दौरान एक शक्की दिमाग रहना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसके दिमाग में चलता रहना चाहिए, पूरा का पूरा क्लाइंट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए उसे। अच्छा, साथ ही साथ अकाउंटिंग पॉलिसीज का अप्रोप्रिएटनेस देखो, गोइंग कंसर्न का अप्रोप्रिएटनेस देखो, अकाउंटिंग एस्टिमेट की रीजनेबलनेस देखो, दैट इज मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया वो रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है। साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लो, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर कहीं दिख रहा है तो उस पर भी ध्यान दो। तो ये है आपका ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अपने आगे थे लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अभी हमने ऊपर पूरे के पूरे पॉइंट्स को पढ़े, इसको ऑडिट रिपोर्ट में कहां पर शो किया जाता है, सॉरी इसको कहां पर प्रेजेंट किया जा सकता है, तो तीन जगह, या तो ऑडिट रिपोर्ट में घुसा दो या फिर आप वेबसाइट में डाल दो, और आखिरी क्या है, एज एनेक्सस टू द ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ। ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ के बारे में एसएस 706 में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आ जाइए रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें दो बातों पर रिपोर्ट किया जाता है, 143 सबसेक्शन 3 जो 10 मैटर्स हम लोगों ने अभी देखे, और 143 सबसेक्शन 11। फाइनली अपने आ गए सिग्नेचर प्लेस एंड डेट में, एक ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है तो ऑब्वियसली उसे साइन करना पड़ेगा, अपनी मेंबरशिप नंबर देनी पड़ेगी, पार्टनर्स का नाम वगैरह बताना पड़ेगा, डेट बताना पड़ेगा कि किस दिन उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन की है और कौन से जगह में उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन की है। तो यह है आपका एसएस 700। ठीक है, फिर हम लोगों ने यह भी देखा था व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट। तो इसके पॉइंट्स को लर्न करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि मैं आपको फर्मली बता देता हूं, क्लियरली बता देता हूं, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि टाइमली इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। तो फर्मली से याद आ जाएगा फर्मनेस, क्लियरली से क्लैरिटी, सिंपल से सिंप्लिसिटी, टाइमलीनेस, इंफॉर्मेशन, ब्रेविटी और डिस्क्लोजर। इंफॉर्मेशन अच्छा कब कहा जाता है, जब वो एकदम संक्षेप में हो, मतलब ब्रीफ हो और सारी की सारी बातें उसमें डिस्क्लोज हो, कुछ भी छुपाया ना गया हो। तो ब्रीफ से याद आ जाएगा ब्रेविटी, और डिस्क्लोजर से डिस्क्लोजर्स, और इम्पार्शियलिटी ऑब्जेक्टिविटी। तो यहां पर एसएस 700 के बारे में जितना मुझे बताना था मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये अपना ओवर हुआ। अब अपने एसएस 705 पढ़ते हैं। क्या ये छोटा सा स्टैंडर्ड है क्या? जी हां, कुछ भी नहीं है इसमें। एसएस 705 क्या बोल रहा है, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब ये हो गया कि हम ये जानते हैं कि एक ऑडिटर दो टाइप की ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। सो व्हेनेवर एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन, वहां पर ऐसे 705 अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे 705 का नाम सुनो क्या, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन गिवन बाय द ऑडिटर, पहला क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा डिस्क्लेमर ओपिनियन, और तीसरा क्या, एडवर्स ओपिनियन। तो एसएस 705 अप्लाई करता है ओनली इन केस व्हेन एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस मॉडिफाइड ओपिनियन। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। तो देखिए, व्हेन द ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, और वो जो मिसस्टेटमेंट है अगर वो मटीरियल होने के साथ साथ परवेसिव नहीं है,
तब तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन अगर वो मटीरियल होने के साथ साथ परवेसिव भी है तब ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देता है। फिर अपना दूसरा पॉइंट था विथ रिगार्ड टू सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर क्या हुआ, ऑब्टेन नहीं कर सका सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिसका इफेक्ट मटीरियल है लेकिन वो परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन अगर इसका इफेक्ट मतलब लैक ऑफ सफिशियंट एविडेंस ना कलेक्ट करने के कारण उसका इफेक्ट अगर मटीरियल के साथ साथ परवेसिव भी आ रहा है तो ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। और आखिरी क्या है, अगर ऑडिटर ने सारे के सारे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, तो यहां पर ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। तो यहां पर तो ऐसे 705 अप्लाई नहीं करता है, ऐसे 705 इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में अप्लाई करेगा। अच्छा, साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने वाला बात है कि व्हेनेवर एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस मॉडिफाइड ओपिनियन उसे क्या करना पड़ता है, रीजंस बताना पड़ता है टीसीडब्ल्यूजी को। तो देखिए, व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेसेस टू मॉडिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द सर्कमस्टेंसेस, और यही सर्कमस्टेंसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट लेड टू द एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन एंड द वर्डिंग ऑफ सच मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का एसएस 705 भी हुआ समाप्त। अब हम लोग देखते हैं एसएस 701। एसएस 701 क्या है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। देखिए, हम ये जानते हैं एज पर सेक्शन 177 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी में कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन चलता रहता है, बहुत सारी बातों पर चर्चा होती है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर्स होगा अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर उसे ही क्या कहा जाता है, की ऑडिट मैटर्स कहा जाता है। मैं फिर से बता देता हूं, एज पर सेक्शन 177 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में काफी सारी बातों पर कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल 200 मैटर्स में कम्युनिकेशन हुआ, उन 200 मैटर्स में से अगर ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट यह बोलता है कि यार 10 ऐसे मैटर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आपको क्या करना पड़ता है, एज की ऑडिट मैटर्स आप शो करते हो इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन यह की ऑडिट मैटर्स शो करने की दरकार नहीं होती है व्हेनेवर एन ऑडिटर डिस्क्लेम्स हिज ओपिनियन। तो पढ़िए, द एसए 701 जो है यह अप्लाई करता है टू ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, लिस्टेड एंटिटी में अप्लाई करता है। हाउएवर एसए 701 प्रोहिबिट्स द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर की ऑडिट मैटर्स, दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड, की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। तो यहां पर अपना एसए 701 भी हुआ समाप्त। अब फाइनली अपने क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए हम लोगों ने एसए 700 पढ़ लिया, एसए 701 देख लिया और एसए 705 भी पढ़ लिया। अब हमारा आखिरी स्टैंडर्ड जो है वो है एसए 706 विच डील्स विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। क्या ये आसान है क्या, बहुत ही ज्यादा आसान है, जो कहानी था वो मेजरली एसए 700 में ही था। देखिए एसए 706 एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ में फर्क क्या होता है, पहले ये देखो, ऐसी बहुत सारी बातें होती है ऑडिट के दौरान जो शेयरहोल्डर्स को बताना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि ऐसी कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जैसे कंपनी के खिलाफ समझो फॉर एग्जांपल कोई केस चल रहा है, तो क्या ये लाइबिलिटी हो सकती है कि नहीं, मैच्योर हो जाए फ्यूचर में, तो ऐसी बातों को ऑडिटर डिस्क्लोज करता है एज एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। कहने का मतलब ये हो गया, वो शेयरहोल्डर्स को बता रहा है कि ये जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है इसमें आप, इसके बारे में आप लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से इसकी वर्डिंग होती है, ऑडिटर शेयरहोल्डर्स को कह रहा है कि हम आपका अटेंशन ड्रॉ कराना चाहते हैं टू नोट नंबर 11 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस रिगार्ड में था, अनसर्टेनिटी था विद रिगार्ड टू कंटिंजेंट लाइबिलिटी। टू द आउटकम ऑफ द लॉसूट फाइल अगेंस्ट द कंपनी बाई एक्स वाई जेड कंपनी, आवर ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। मतलब क्या हो रहा, समझ में आ रहा है, ऑडिटर शेयरहोल्डर्स का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं टू नोट नंबर 11। मतलब ऑडिटर शेयरहोल्डर्स को कह रहे हैं कि देखिए नोट नंबर 11 को एक बार जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आप लोग ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते ही है ना, क्योंकि कंपनी का एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हो सकता है अच्छा खासा पैसा आगे देना पड़ जाए, तो आप लोग सोच समझ कर इस कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करिए। यह होता है पर्पस फॉर एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ का कहानी है
कि एज एन ऑडिटर शेयरहोल्डर समझते हैं, शेयरहोल्डर जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार हमने ऑडिटर को खरीद ही लिया, वो सब कुछ अब हमें बता देगा। दे टेंड टू ओवर एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटर को यह बात कैटेगोरिकली मेंशन करना पड़ता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारे पावर में क्या क्या आता है। देखिए, इन सर्टेन केसेस यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू ओवर एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। द ऑडिटर नीड्स टू क्लैरिफाई हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच एम्बिगुअस सर्कमस्टेंसेस थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि एक होल्डिंग कंपनी है, इसका ऑडिटर है फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। इस होल्डिंग कंपनी के तीन सब्सिडियरी, सब्सिडियरी वन, सब्सिडियरी टू, सब्सिडियरी थ्री। सब्सिडियरी वन का ऑडिट कर रहा है एक्स वाई जेड, सब्सिडियरी टू का जेकेएल और सब्सिडियरी थ्री का एमएनओ। तो एबीसी ऑडिट फर्म जो है वो कैटेगोरिकली ये चीज मेंशन करके बोलेगा कि इन तीनों सब्सिडियरीज का ऑडिट मैंने नहीं किया है। सब्सिडियरी वन का ऑडिट किया है एक्स वाई जेड ने, सब्सिडियरी टू का ऑडिट किया है जेकेएल ने, सब्सिडियरी थ्री का ऑडिट किया एमएनओ ने। उनके ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा करके मैं अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑडिट सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का किया। यही यहां पर लिखा हुआ देखिए कि वी डिड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सर्टेन सब्सिडरीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट टोटल एसेट्स ऑफ 500 करोड़, टोटल रेवेन्यूज ऑफ 1500 करोड़, नेट कैश आउटफ्लोज ऑफ 110 करोड़। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स हुज रिपोर्ट्स हैव बीन फर्निश्ड टू अस बाय द मैनेजमेंट एंड आवर ओपिनियन इज बेस्ड सोली ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ अदर ऑडिटर्स, आवर ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने पूरे के पूरे चार स्टैंडर्ड्स को पढ़ लिया, ऐसे 700 भी खत्म, 701 खत्म, 705 खत्म और 706 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज का हमारा ये वीडियो रेलेवेंट है फॉर ऑल द सीए सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल स्टूडेंट्स, बिकॉज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे इज कारो 2020। आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, 100% यहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड है, पक्का आएगा 100% आने वाला है। एक बार भी अगर आपका कारो 2020 पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो बहुत जबरदस्त काम आने वाला आपके। तो लेकर प्रभु का नाम, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग कारो 2020। तो पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले आया था आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 1988, देन कारो 2003, 2004, 2015, 2016 एंड फाइनली वी आर स्टडिंग कारो 2020। तो सवाल यह उठता है कि है क्या ये कारो 2020 है क्या? तो मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ दो एनेक्सचर जुड़ते हैं। पहला एनेक्सचर होता है रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और दूसरा एनेक्सचर होता है कारो 2020। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एनुअल रिपोर्ट में, हर ऑडिट रिपोर्ट में आपको यही दिखेगा कि एनेक्सचर ए ही आपका है रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और एनेक्सचर बी ही है आपका कारो 2020। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये वाइसी वर्षा भी हो सकता है। सो व्हाट इज कारो? कारो इज एन एनेक्सचर टू ऑडिट रिपोर्ट। इट इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द ऑडिटर, बिकॉज एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर पर एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर को कहा कि ऐसे तो आप काफी चीजों पर रिपोर्ट करते ही हो, थोड़ा इन 21 मैटर्स पर भी रिपोर्ट कर देना। एक्चुअली कारो में 21 क्लॉजेज है, उन 21 मैटर्स पर ही ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंटेंट क्या है इस चैप्टर का? यहां पर कुल मिलाकर चार पैराग्राफ है। पहला पैरा है जो डील करता है कंपनीज दैट आर कवर्ड बाय दिस ऑर्डर एंड कंपनी दैट आर नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर। पैरा टू है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर। देन पैरा थ्री है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट एंड फाइनली अपने पैरा फोर समझेंगे जो है आपका रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर्स। बस ये चार पैरा ही पढ़ना है अपने को। तो पहले अपने पैरा टू देखते हैं। पैरा टू में देखिए दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जो भी एनुअल रिपोर्ट होंगे उसमें कारो का एनेक्सचर जाता है, कारो 2020 का एनेक्सचर जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पहले जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स होंगे उसमें कारो 2020 का एनेक्सचर नहीं रहता है, उसमें कारो 2016 का एनेक्सचर रहेगा। ये आपका पहला पॉइंट है पैरा टू का। दूसरा क्या बोला जाता है कि अगर कोई ग्रुप कंपनी का केस है तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में क्या होगा, आपका मेन ऑडिट रिपोर्ट रहेगा प्लस उसमें रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रहेगा प्लस उसमें एनेक्सचर ऑन कारो भी रहेगा। लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात आता है तो वहां पर मेन ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, एनेक्सचर ए रहेगा, दैट इज रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रहेगा,
लेकिन एनेक्सचर भी नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह हो गया कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में कारो का एनेक्सचर जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में कारो का एनेक्सचर नहीं जाता है। एक और बात सुन लो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में आप 21 के 21 मैटर्स पर रिपोर्ट करते हो, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में आप केवल और केवल 21वें मैटर पर रिपोर्ट करते हो। यहां पर आपका पैरा टू खत्म हो गया। पैरा टू के बाद हम लोग देखते हैं पैरा वन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी करवाए थे आप लोगों को। पैरा वन डील करता है कंपनी दैट आर कवर्ड बाय द ऑर्डर एंड कंपनी दैट आर नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर। पहले अपने डिस्कस करते हैं कंपनी दैट आर कवर्ड बाय कारो 2020। कारो 2020 अप्लाई टू ईच एंड एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हर कंपनी पे लगता है, फॉरेन कंपनी पर भी लगेगा। अब एक बात को समझो, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके बहुत सारे ब्रांचेज है, तो यहां पर प्रिंसिपल ऑडिटर भी होगा, यहां पर ब्रांच ऑडिटर भी होगा, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को भी कारो का एनेक्सचर लगाना है और ब्रांच ऑडिटर को भी कारो का एनेक्सचर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आता है सवाल कि कंपनी दैट आर नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर, थोड़ा यह बता दो, तो है सेक्शन 5C 4, 285 262 8 4 कंडीशंस। सेक्शंस याद करो पहले, 5C 4, 285 262 8 4 कंडीशंस। 5C मतलब हो गया 5C ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब बैंकिंग कंपनीज पे कारो नहीं लगता है। फिर है सेक्शन 4 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज पर भी कारो नहीं लगता है। देन 2 क्लॉज 85, ये हो गया स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक है और टर्नओवर उसका 20 करोड़ तक है, ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो स्मॉल कंपनी पर भी कारो अप्लाई नहीं करता है। 1% कंपनी पे कारो अप्लाई नहीं करेगा और सेक्शन 8 कंपनीज उन पर भी कारो अप्लाई नहीं करता है। अब ये 4 कंडीशन का क्या चक्कर है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, आमतौर पर प्राइवेट कंपनी पर कारो अप्लाई कर जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो इन चारों के चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो उस पे कारो अप्लाई नहीं करेगा। वो चार कंडीशंस क्या है, अपने एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला, वो प्राइवेट कंपनी ना ही किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ना ही सब्सिडियरी कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, उसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिला जुलाकर बैलेंस शीट डेट में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल में आपका आ गया इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, सारे के सारे रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब का सब ऐड होगा। माइनस आपको 3 चीजों को करना है, एक्युमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटन ऑफ, सॉरी एक्युमुलेटेड लॉसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आया, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये तीनों को ऐड कर दो। माइनस आपको 3 चीजों को करना है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और क्या है आपका, एक्युमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। तो 2 conditions अपने डिस्कस किए। अब आ जाइए तीसरा कंडीशन, टोटल borrowings फ्रॉम banks एंड फाइनेंशियल institutions। देखो, एक कंपनी काफी जगह से borrowings करता है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि टोटल borrowings फ्रॉम banks एंड फाइनेंशियल institutions साल में कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन यह है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस दोनों मिला जुलाकर साल में कभी भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो फिगर आएगा वो किस तरीके से आएगा, आपको माइनस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर देना सेल्स रिटर्न, मतलब आफ्टर गिविंग इनटू इफेक्ट सेल्स रिटर्न एंड आफ्टर गिविंग इनटू इफेक्ट ट्रेड डिस्काउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फिगर आता है। तो यहां पर हमने ऑल 4 कंडीशंस को देखा। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने पैरा 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया और हम लोगों ने पैरा 2 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पैरा 4। पैरा 4 का जो थीम है वो किस पे बेस्ड है, देखो कि एक ऑडिटर 2 टाइप का ओपिनियन देता है, एक देता है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक देता है वो मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के 3 टाइप होते हैं, पहला होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है एडवर्स ओपिनियन और तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब चक्कर यह है कि जब भी एक ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है ना, तो उसमें उसको रीजन देने का दरकार नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह हो गया कि उसे यह नहीं बताना पड़ेगा कि मैं किस लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन जब भी एक ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा वहां पर उसे रीजन बताना पड़ेगा। इसी थीम पर आपका पैरा 4 बेस्ड है, जो क्या कहता है कि एक ऑडिटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आप 21 के 21 मैटर्स पर रिपोर्ट करो। अब ऑडिटर को अगर कुछ गड़बड़ी दिखा, तो अगर वो बोलता है कि नहीं यार इस मैटर में कुछ ना कुछ हेर फेर है, तो उसको रीजन देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस 21 मैटर्स में से कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है, तो उसको रीजन देने का दरकार नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब उन 21 मैटर्स पर गड़बड़ दिख रहा है तो रीजन दो, उन 21 मैटर्स पर कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है तो कोई रीजन देने की दरकार नहीं है। यह है आपका पैरा 4।
तो कुल मिलाकर चार पैराग्राफ थे, पैरा वन का रिवीजन हो गया, पैरा टू का रिवीजन हो गया और अपना पैरा फोर का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपने आते हैं पैरा थ्री में जिसमें 21 क्लॉजेस है और बहुत जबरदस्त इजी है ये, अननेसेसरी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, अभी मैं बताऊंगा फटाफट याद होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए फर्स्ट पैरा नहीं हो गया, फर्स्ट क्लॉज है अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें कुल मिलाकर अपने पास पांच सब क्लॉज है, सब क्लॉज ए का दो पार्ट है। तो पहला सब क्लॉज डील करता है विद प्रॉपर रिकॉर्ड। अब प्रॉपर रिकॉर्ड आपको टेंजेबल एसेट का भी मेंटेन करना है और आपको इनटेंजेबल एसेट का भी मेंटेन करना है। यह बता दिया गया है टेंजेबल एसेट के रिकॉर्ड में प्रॉपर रिकॉर्ड क्या होता है, सिचुएशन एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स। तो अपना सब क्लॉज ए खत्म। फिर अपने आते सब क्लॉज बी में, सब क्लॉज बी किस रिगार्ड में, फिजिकल वेरिफिकेशन करना। तो फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल्स में होना चाहिए और अगर कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो क्या वो प्रॉपरली डेल्ट हुआ कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सब क्लॉज ए खत्म, सब क्लॉज बी खत्म। फिर आ जाइए सब क्लॉज सी में, वो किस रिगार्ड में, टाइटल डीड। तो वेदर द टाइटल डीड आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट, यहां पर एक्सेप्शन है लीज प्रॉपर्टी। फिर है सब क्लॉज फोर, वो है विद रिगार्ड टू रिवैल्यूएशन। अब अपने ये बात जानते हैं कि रिवैल्यूएशन तो भैया टेंजिबल एसेट्स का भी हो सकता है और इनटेंजिबल एसेट्स का भी हो सकता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू करवाना चाहिए बिकॉज ऐसा सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। और अगर चेंज 10% या फिर उससे ज्यादा है तो आप डिस्क्लोज कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और आखिरी अपना सब क्लॉज ही जो कि है विद रिगार्ड टू बेनामी प्रॉपर्टी, कि कंपनी अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा है तो उसे डिस्क्लोज कर दो। तो यहां पर एक ध्यान देने वाला बात यह है कि केवल और केवल सब क्लॉज ए और सब क्लॉज डी, यही दोनों क्लॉज आपका टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स पर अप्लाई करता है, ठीक है। तो अपना पहला क्लॉज हुआ समाप्त। अब आ जाइए दूसरा क्लॉज, वो किस रिगार्ड में, विद रिगार्ड टू इन्वेंटरी। यहां पर कितने सब क्लॉज है, दो सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए को मैंने तीन पॉइंट में ब्रेक कर दिया है और सब क्लॉज बी को मैंने दो पॉइंट में ब्रेक कर दिया है। तो पहला सब क्लॉज किस रिगार्ड में, वही फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए रीजनेबल इंटरवल्स में और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो क्या वो प्रॉपरली डेल्ट हुआ कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन यहां पर बता दिया गया है कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब होता है, जब चेंज आपका 10% या फिर उससे ज्यादा हो, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहां पे कि कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ये भी ऑडिटर चेक करता है। तो सब क्लॉज ए में तीन पॉइंट थे, वो तीनों के तीनों पॉइंट मैंने बताए। अब आ जाइए सब क्लॉज बी में, सब क्लॉज बी में दो पॉइंट है जिसमें पहला पॉइंट है विद रिगार्ड टू वर्किंग कैपिटल लोन। कंपनी को अगर कोई वर्किंग कैपिटल लोन इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ सैंक्शन हुआ है, मैं फिर से यहां पर रिपीट कर देता हूं, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यहां पर 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, नहीं 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है ही नहीं, यहां पर बोल रहा है कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन हुआ है एक्सेस ऑफ 5 करोड़। तो उस समय उसे क्या करना पड़ता है, एक पीरियोडिकली स्टॉक स्टेटमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास उसे सबमिट करना पड़ता है। और आपने जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया और आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर चक्कर है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सब क्लॉज खत्म हुआ, सेकंड क्लॉज खत्म हुआ। अब आ जाइए अपना थर्ड क्लॉज, थर्ड क्लॉज में देखिए कितने सब क्लॉज है। थर्ड क्लॉज पहले तो भैया लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, यहां पर कितने सब क्लॉज है, 6 सब क्लॉज है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, एक और बात यहां पर ध्यान देने वाला यह है कि सब क्लॉज ए और सब क्लॉज ई जो है वो आपका एनबीएफसी कंपनीज पर नहीं लगता है, विच इंप्लाइज कि सब क्लॉज बी सी डी और एफ जो है ये आपका एनबीएफसी कंपनीज पर लगेगा। तो अब एक एक सब क्लॉज को डिस्कस करते हैं। पहला सब क्लॉज है विथ रिगार्ड टू अमाउंट, तो कंपनी ने कितना अमाउंट ऑफ लोन ग्रुप कंपनीज को दिया और अदर देन ग्रुप कंपनीज को दिया, ये पहले बताइए। दूसरा, आपने जो लोन दिया उसके टर्म्स एंड कंडीशन कहीं प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज तो नहीं है ना, ये चेक करना ऑडिटर को। तीसरा, रीपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है कि नहीं है और पैसे आप रेगुलरली रिसीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चौथा सब क्लोज है विद रिगार्ड टू अमाउंट ओवरड्यू, आपने कोई लोन दिया और अमाउंट ओवरड्यू हो गया मोर देन 90 डेज, तो आपने क्या स्टेप्स लिए टू रिकवर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। पांचवा सब क्लॉज है आपका विद रिगार्ड टू अगर कोई लोन रिन्यू हुआ है, एक्सटेंड हुआ है या फिर कोई फ्रेश लोन दे दिया गया है तो आपको इंडिकेट करना है इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड परसेंटेज। और आखिरी सब क्लॉज आपका किस रिगार्ड में है, विद रिगार्ड टू लोन पेबल, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। कंपनी ने अगर कोई भी ऐसा लोन दिया है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड हो तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड परसेंटेज। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि कंपनी ने अगर समझ लो प्रमोटर्स को अगर यह लोन दिया है या फिर अगर कोई रिलेटिव को अगर यह लोन दिया है तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्लॉज हुआ समाप्त। चौथा क्लॉज भी आपका विद रिगार्ड टू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट ही है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि व्हेनेवर अ कंपनी किसी भी पर्सन को लोन दे या फिर इन्वेस्ट करे इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट,
तो सेक्शन नंबर 185 एंड सेक्शन नंबर 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस हुआ है नहीं, ये ऑडिटर को देख लेना। अब सवाल ये आता है कि सेक्शन नंबर 186 क्या, थोड़ा तो बताइए। तो मैं बता देता हूं, देखिए कि व्हेनेवर अ कंपनी लोन देता है किसी भी पर्सन को या फिर इन्वेस्टमेंट करता है इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो एक सीलिंग लिमिट होता है। वो सीलिंग लिमिट क्या है? 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर, मतलब इतना ही वो लोन या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो विद इन सीलिंग लिमिट अगर करेगा ना तो उसे केवल और केवल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन अगर सीलिंग लिमिट से ज्यादा हुआ देन उसे बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। यह है आपका सेक्शन नंबर 186। अब सेक्शन नंबर 185 क्या है कि कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकता। कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी डायरेक्टर रिलेटिव्स या डायरेक्टर ऑफ ग्रुप कंपनीज को दे ही नहीं सकता, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफ डायरेक्टर को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकता है। कंडीशन यह है कि यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो अब तक हम लोगों ने चार क्लॉज देख लिए। पहला क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। दूसरा था अपना इन्वेंट्री। तीसरा था अपना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और चौथा भी अपना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ही था। ठीक है, अब आ जाइए पांचवे क्लॉज में। पांचवा क्लॉज क्या है अपना? डिपॉजिट। इसमें क्या बोला गया? देखो कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ऑडिटर को यह चेक करना पड़ेगा कि क्या आरबीआई के डायरेक्टिव फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, एंड सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन आप स्टेट कर दो। तो सवाल यह उठता है कि सेक्शन 73 के बारे में थोड़ा तो बताइए, सेक्शन 76 के बारे में थोड़ा बहुत तो बताइए। तो मैं बता देता हूं, देखो सेक्शन 73 ये बोलता है कि हर एक कंपनी एवरी कंपनी मेंबर से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसे कंप्लाई करना पड़ेगा विद द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 और पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेक्शन 76 क्या बोलता है? हर एक कंपनी को हटाओ, केवल और केवल एलिजिबल कंपनी का बात होगा आपकी बात। एलिजिबल कंपनी अगर चाहे तो पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। वो एलिजिबल कंपनी क्या होती है? जिसका नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो और उसका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो। तो एलिजिबल कंपनी अगर चाहे तो पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन दो कंडीशन है। यहां पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको कंप्लाई करना पड़ेगा विद द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपना पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट ये बोलता है कि कंपनी को अगर कंपनी लॉ बोर्ड, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट ने अगर कोई भी ऑर्डर दिया है तो क्या उसका कंप्लायंस वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अपना फिफ्थ क्लॉज भी हुआ समाप्त। तो पांच क्लॉज हम लोगों ने अभी तक रिवाइज किए हैं। पहला क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा था इन्वेंट्री। तीसरा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। पांचवा क्लॉज क्या है? डिपॉजिट। मैं बैंक में गया, 2,000 रुपए मैंने 5 बार डिपॉजिट किए। मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैं 1 बार गया 2,000 डिपॉजिट किया, 2 बार गया 2,000 रुपए डिपॉजिट किए, 3 बार गया 2,000 रुपए डिपॉजिट किए। इस तरीके से मैंने 5 बार 2,000 रुपए डिपॉजिट किए। तो पांचवा क्लॉज क्या हो गया अपना? डिपॉजिट। ठीक है, अब आ जाइए छठा क्लॉज। छठा क्लॉज क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में यह बात बोला गया है कि सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में पहले देख लो कि क्या आप एंटिटी जो हो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की दरकार है या नहीं है। अगर है तो क्या आप मेंटेन कर रहे हो या नहीं करो, यही ऑडिटर चेक करेगा। तो अपना पांचवा क्लॉज क्या था? डिपॉजिट्स। और छठा क्लॉज क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब आ जाइए सातवा क्लॉज में। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। यहां पर देखिए दो सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए है विथ रिगार्ड टू अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और सब क्लॉज बी जो है वो है विद रिगार्ड टू डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो पहले अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का चर्चा कर लेते हैं। बोला जाता है कि क्या कंपनी रेगुलरली अपने सारे के सारे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को जमा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो यह वाला बात बताओ, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज जिसको ड्यू हुए 6 महीना से ज्यादा हो गया है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हमने इस तरीके से लर्न किया था एसटी एसटी जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीडीईडी वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, पीएफ, ईएसआई, आईटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स और अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो ये हो गया आपका सब क्लॉज ए। सब क्लॉज बी है विद रिगार्ड टू अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिसमें आपको अमाउंट इन्वॉल्व बताना पड़ेगा और ये केस आपका कहां पर पेंडिंग है, दैट इज फोरम इन्वॉल्व बताना पड़ेगा। मतलब डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के केस में आप अमाउंट बताओ, फोरम बताओ। एक बात ध्यान रख लेना कि मियर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई एसईसी को शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है तो उसे डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर डिमांड नोटिस सर्व कर दिया गया है तो उसे
डिस्प्यूट माना जाएगा। तो यहां पर आपका सातवां क्लॉज हुआ समाप्त। अब आ जाइए आठवां क्लॉज। आठवां क्लॉज क्या है? विद रिगार्ड टू प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम। देखिए एज एन एसएससी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टैक्स का चोरी करते हैं। तो अब दो ही तरीका होता है, या तो आप वॉलंटरी सरेंडर कर दो कि जाके गवर्नमेंट को बता दिया कि हमने टैक्स की चोरी की थी, या फिर गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगा। जो भी केस हो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए एज अ प्रायर पीरियड आइटम। ये आपका आठवां क्लॉज हुआ समाप्त। अब आ जाइए नौवा क्लॉज में। नौवा क्लॉज क्या है? डिफॉल्टर कंपनी। क्या है? डिफॉल्टर कंपनी। यहां पर कितने सब क्लॉज आप देख पा रहे हैं? देखो 6 सब क्लॉज है, मतलब 21 क्लॉजेस में पहला क्लॉज जो किस रिगार्ड में था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। थर्ड क्लॉज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स था, और ये नौवा क्लॉज डिफॉल्टर कंपनी। यही तीन क्लॉज बड़े हैं, बाकी सारे के सारे छुटंकू पटंकू क्लॉज है। ठीक है, तो डिफॉल्टर कंपनी को चलिए अपने पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहला है डिफॉल्ट। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? डिफॉल्ट। तो अगर कंपनी ने कोई भी लोन वगैरह लिया है तो क्या उसका जिम्मेदारी बनता है कि नहीं कि वो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करे और इंटरेस्ट का पेमेंट करे? जी हां। तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, तो आपको पीरियड एंड अमाउंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। मतलब आपको यह बात बताना पड़ेगा कि कौन सा लोन आपने लिया था, नेचर ऑफ बोरोइंग। क्या आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया था, क्या आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, क्या आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया था, क्या आपने डिबेंचर लिया था। पहले तो आप नेचर ऑफ बोरोइंग बता दो। किससे लोन लिया था, मतलब नेम ऑफ द लेंडर। तो कौन सा लोन लिया था, किससे लोन लिया था। इसके बाद है कितना अमाउंट का आप डिफॉल्ट मारे हो, और वो जो डिफॉल्ट मारे हो प्रिंसिपल में मारे हो कि इंटरेस्ट में मारे हो। ठीक है, कितने दिन का डिफॉल्ट है, नंबर ऑफ डेज, डिले और अनपेड, और अगर कोई अदर रिमार्क्स है तो ये आप बता दो। तो ये आपका हो गया पहला क्लॉज, पहला सब क्लॉज हो गया। दूसरा सब क्लॉज है विद रिगार्ड टू विलफुल डिफॉल्टर। क्या कंपनी जिसका आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो उसके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो उसे डिक्लेयर तो नहीं किया ना एज अ विलफुल डिफॉल्टर। फिर सब क्लॉज सी है विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ द लोन। जिस पर्पस के लिए आपने लोन उठाया है क्या उसी पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी और पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर डिस्क्लोज कर दो, और कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने अदर पर्पस के लिए अप्लाई किया वो भी यहां पर बता दो। ये आपका तीसरा सब क्लॉज। चौथा सब क्लॉज है विद रिगार्ड टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आपने फंड्स अगर रेज किए हैं फॉर शॉर्ट टर्म और यूटिलाइज किया अगर उसे लॉन्ग टर्म में, तो वो भी यहां पर आपको बताना पड़ेगा। पांचवा सब क्लॉज है विद रिगार्ड टू लोन फॉर ग्रुप कंपनी। मगर इसका मतलब ये हो गया कि एज अ होल्डिंग कंपनी अगर आपने सब्सिडरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर्स के लिए कोई लोन उठाया तो वो यहां पर बताना पड़ेगा। और आखिरी सब क्लॉज क्या बोलता है कि होल्डिंग कंपनी ने अपने लिए लोन उठाया है लेकिन गिरवी रखा है, प्लेज किया है सिक्योरिटीज ऑफ द ग्रुप कंपनी, दिक्कत नहीं है इसमें कोई, लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी ने ऐसे लोन को डिफॉल्ट कर दिया तब यहां पर ऑडिटर को बताना पड़ेगा। तो यहां पर 6 सब क्लॉज है। पहला है विद रिगार्ड टू डिफॉल्ट इन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। दूसरा है आपका डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर। तीसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ लोन। चौथा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन। पांचवा है आपका लोन फॉर ग्रुप कंपनी, और छठा है लोन बाय प्लेजिंग ग्रुप कंपनी सिक्योरिटीज। तो हम लोगों ने 9 क्लॉज अभी तक देखे हैं। पहला क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। दूसरा था इन्वेंट्री। तीसरा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। पांचवा अपना था डिपॉजिट्स। छठा था मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सातवां था स्टैट्यूटरी ड्यूज। आठवां अपना है प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम। और 9th क्लॉज है अपना डिफॉल्टर कंपनी। अब आ जाते हैं अपने 10th क्लॉज में। 10th क्लॉज क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू प्रोसीड। देखिए यहां पर आपको कितना सब क्लॉज देख पा रहे हैं, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। और सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो एक कंपनी को, कंपनी जब शेयर इश्यू करते हैं तो उसका काफी सारे तरीके होते हैं। पहला होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, जो कि सब क्लॉज ए में डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसको सब क्लॉज बी में डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं कि कंपनी ने अगर आईपीओ एफपीओ किया, वो ऑब्वियसली किसी को भी किया जा सकता है, और वहां से अगर कोई पैसे रेज हुए, कंपनी ने आईपीओ एफपीओ किया जो कि किसी को भी किया जा सकता है, एनी पर्सन को किया जा सकता है, और वहां से अगर कंपनी के पास कोई पैसे आए तो उन पैसों को आप उसी पर्पस में अप्लाई करना जो आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था। अगर आपने ऐसा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 3 चीजें बतानी पड़ेगी, डिले, डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। यह आपका हो गया सब क्लॉज ए। अब है सब क्लॉज बी, जो किस रिगार्ड में है कि कंपनी ने अब की बार आईपीओ एफपीओ नहीं किया है, कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, जो केवल और केवल कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को ही किया जा सकता है, सिलेक्टेड इनवाइटीज को ही किया जा सकता है। अब वहां से कंपनी के पास अगर कोई पैसे आए हैं तो उन पैसों को भी आपको उसी पर्पस में अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने मेंशन किया था। अगर अप्लाई किया तो ठीक है, लेकिन अगर अप्लाई नहीं किया तो यहां पर आपको नेचर और अमाउंट बताना पड़ेगा।
प्लस एक और बात यहां पे ध्यान रखना है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 62 है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो है सेक्शन नंबर 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ऑडिटर का यह भी जिम्मेदारी बनता है कि क्या सेक्शन नंबर 42 एंड सेक्शन नंबर 62 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो सवाल यह आता है, व्हाट आर द लीगल कंप्लायंसेस अंडर सेक्शन 42 एंड अंडर सेक्शन 62। तो बोला जाता है कि पहले तो आप देख लो कि क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है कि नहीं किया गया है। मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स को ही रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। और तीसरा, आप जो सिक्योरिटीज दे रहे हो सिलेक्टेड इनवाइटीज को, तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उन सिक्योरिटीज का भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी के केस में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा दो, और लिस्टेड कंपनी के केस में आप सेबी का फॉर्मूला यूज कर लो। यह है आपका 10th क्लॉज। अब आ जाते हैं अपने 11th क्लॉज में। 11th क्लॉज किस रिगार्ड में? विथ रिगार्ड टू फ्रॉड। यहां पर आप देख पा रहे हैं तीन सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए में भी फ्रॉड के बारे में चर्चा किया जा रहा है, सब क्लॉज बी में 143 सबसेक्शन 12 के बारे में बोला जा रहा है, और सब क्लॉज सी जो है वो है विथ रिगार्ड टू विसल ब्लोअर कंप्लेंट। तो पहला सब क्लॉज में देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या कोई भी फ्रॉड ऑडिटर, जो ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया है, वो क्या देख रहा है कि वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी। मतलब क्या हो गया कि क्या कोई भी फ्रॉड कंपनी ने किसी के साथ किया है या फिर कंपनी के साथ हुआ है। बाय द कंपनी मतलब क्या हो गया, कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया। ऑन द कंपनी कह लो, अगेंस्ट द कंपनी कह लो, मतलब एक ही बात होता है। ऑन द कंपनी का मतलब हो गया कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है। अगर ऐसा कोई केस है तो आप क्या करो, नेचर और अमाउंट इन्वॉल्व बता दो। अब सब क्लॉज बी में देखो क्या लिखा हुआ है, 143 सबसेक्शन 12। अब जब 143 सबसेक्शन 12 में आते हैं ना, तो यहां पर दो केस कवर्ड नहीं है। जैसे सब क्लॉज ए में यह है आपका केस नंबर 1, यह है आपका केस नंबर 2। लेकिन जब अपने 143 सबसेक्शन 12 में आते हैं तो वहां पर केवल और केवल ऑन द कंपनी कवर्ड है, बाय द कंपनी कवर्ड ही नहीं है। तो यह कंपैरिजन आपको पता रहना चाहिए। देखिए मैंने इस तरीके से सुंदर से एक बना दिया है कि 143 सबसेक्शन 12 में केवल और केवल अगेंस्ट द कंपनी, दैट टू बाय ऑफिसर और एम्प्लॉई है, लेकिन क्लॉज नंबर 11 का जो सब क्लॉज ए है वहां पर बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी कवर्ड है। यह पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों सब क्लॉज में, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में? देखिए कि जब अपने कारों का बात करते हैं तो वहां पर फ्रॉड किसी ने भी ऑब्जर्व किया हो चलेगा। कहने का मतलब यह हो गया कि 11th क्लॉज का जो अपने सब क्लॉज ए पढ़ रहे हैं वहां पर फ्रॉड किसी ने भी डिस्कवर किया हो चलेगा, लेकिन 143 सबसेक्शन 12 में कैटेगोरिकली यह चीज मेंशनड है कि केवल और केवल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ही फ्रॉड ऑब्जर्व किया हो। इस पर एक सवाल है बहुत जबरदस्त, मैंने करवाया था क्लास में, ठीक है। तो सब क्लॉज ए खत्म, सब क्लॉज बी खत्म। अब आ जाइए सब क्लॉज सी। ये किस रिगार्ड में? विसल ब्लोवर कंप्लेंट। विसल ब्लोवर होता क्या है, आप लोगों ने अगर स्कैम 1992 देखा होगा तो उसमें एसबीआई का एक इंप्लॉई सुचिता दलाल के पास जाता है और वो बोलता है कि एसबीआई में कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है, 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ऐसे इंप्लॉई को ही कहा जाता है विसल ब्लोवर। देखो होता यह है कि अगर कोई भी कंपनी में गड़बड़ घोटाला होता है ना, कंपनी के इंप्लॉइज को पता होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना हो। तो एसबीआई का वो इंप्लॉई किसके पास गया, सुचिता दलाल के पास, और जाके बोला कि एसबीआई में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं वो जो इंप्लॉय था ना वो बेकूफी किया, उसे न्यूज रिपोर्टर को जाके नहीं बोलना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी को बोलना चाहिए था। बिकॉज होता यह है कि ऑडिटर और ऑडिट कमिटी के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो सब क्लॉज सी उसी रिगार्ड में है कि ऑडिटर जाके ऑडिट कमिटी से पूछेगा कि क्या आपके पास कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आया था क्या, अगर आया था तो ऑडिटर उसे कंसिडर कर लेगा। तो यह है आपका सब, ये है आपका क्लॉज नंबर 11 जिसमें कुल मिलाकर तीन सब क्लॉज थे हमने देखे। अब है क्लॉज नंबर 12, क्या है, निधि कंपनी। अब निधि कंपनी को अपने एक तरीका से याद किए थे, 20-10% डिफॉल्ट, 20-10% डिफॉल्ट। 20 क्या है, 20 टाइम्स, मतलब हो गया कि एक निधि कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, 20 टाइम्स नेटवर्थ। दूसरा क्या है, 10%, तो 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स का उसे लिक्विडिटी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और अगर डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो भी यहां पर बताना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्लॉज नंबर 12। तो एक बार 12 के 12 क्लॉज को अपने याद करते हैं। पहला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, दूसरा था इन्वेंटरी, तीसरा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, पांचवा था डिपॉजिट्स, छठा क्या था अपना, छठा था अपना मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सातवां था स्टैट्यूटरी ड्यूज, आठवां है प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम, नाइन्थ है डिफॉल्टर कंपनी, टेंथ क्लॉज है अपना, टेंथ क्लॉज अपना क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू प्रोसीड्स, इलेवेंथ क्लॉज है फ्रॉड, ट्वेल्थ क्लॉज अपना क्या हो गया, निधि कंपनी। इतना ही तो पढ़ा ना अभी तक हम लोगों ने, हाँ निधि कंपनी हो गया। अब आ जाइए 13th क्लॉज में। 13th क्लॉज क्या है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो
कि क्या सेक्शन नंबर 177 सेक्शन नंबर 188 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। सेक्शन नंबर 177 में ऑडिट कमिटी से अप्रूवल ले लो, सेक्शन नंबर 188 में क्या बोला जा रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है कि नहीं इन द बोर्ड मीटिंग, और आखिरी है क्या AS 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर किया है नहीं किया है, और AS 18 का कॉरेस्पॉन्डिंग इंड एस क्या है, इंड एस 24। 13 के बाद आ जाइए 14 क्लॉज में जो है विथ रिगार्ड टू इंटरनल ऑडिट सिस्टम्स। अब एक बात को समझो कि किसी कंपनी का अगर इंटरनल कंट्रोल वीक रहेगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, बिकॉज उसे ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगा, बिकॉज उसे कम से कम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सवाल यह आता है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, यह पता कैसे चलता है, तो यह पता चलता है इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट से। तो इट इंप्लाइज कि इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम कनेक्टेड है, देयरफॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कि आप ऐसे ऑडिट मत करना, इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट को आप इवैल्यूएट कर लेना। यही यहां पे लिखा हुआ है कि वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वेर कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और नॉट। तो यहां पर अपना 14 क्लॉज हुआ समाप्त। फिर अपना 15 क्लॉज जो है विद रिगार्ड टू बार्टर, इसमें क्या बोला जा रहा है, कंपनी अगर कोई भी एसेट एक्सचेंज करता है विद द डायरेक्टर ऑफ कंपनी या फिर पर्सन कनेक्टेड विद सच डायरेक्टर, तो यहां पर सेक्शन नंबर 192 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं उसे देखना पड़ेगा। और सेक्शन नंबर 192 क्या बोलता है कि क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है, और दूसरा दोनों एसेट का वैल्यूएशन आपको करवाना चाहिए। तो हम लोगों ने 15 क्लॉज देख लिए। एक बार 15 का 15 क्लॉज का नाम याद करो, पहला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, दूसरा था इन्वेंट्री, तीसरा था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, पांचवा था डिपॉजिट, छठा था मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, सातवां था स्टैट्यूटरी ड्यूज, आठवां अपना था प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम, नाइन्थ अपना क्या था, नाइन्थ अपना था डिफॉल्टर कंपनी, टेंथ था अपना यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू प्रोसीड्स, इलेवेंथ अपना था फ्रॉड, ट्वेल्थ क्लॉज अपना था निधि कंपनी, थर्टीन था रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, फोर्टीन क्लॉज अपना था इंटरनल ऑडिट सिस्टम्स, और अपने 15वां क्लॉज देखे जो है अपना बार्टर। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 16, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो यहां पर देखिए हमारे पास तीन सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए हमसे क्या कह रहा है कि क्या एनबीएफसी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवाने का दरकार है क्या विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934? तो ये रजिस्ट्रेशन कब दरकार पड़ता है, इफ फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। तो ये हो गया विद रिगार्ड टू सब क्लॉज ए। अब देखिए देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ एनबीएफसी कंपनीज, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और ये एनबीएफसी का केवल और केवल एक ही काम होता है, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये क्या करती है, ये प्राइमरी एक्टिविटी होता है इनका लोन देना, जबकि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती है इनका प्राइमरी एक्टिविटी होता है टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो सब क्लॉज बी है विद रिगार्ड टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड सब क्लॉज सी है विद रिगार्ड टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो वेदर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। सब क्लॉज सी हमसे क्या कह रहा है कि whether the company is a core investment company as defined in regulations made by the Reserve Bank of India, if so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC, and in case the company is exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria। ये हो गया आपका clause number 16। फिर आ जाइए clause number 17, जो बोल रहा है कि अगर company कभी भी cash losses वगैरह अगर incur कर रही है, तो auditor का जिम्मेदारी बनता है बताए कि कितना amount of cash loss है। देन आ जाइए क्लॉज नंबर 18, जब भी एक पुराना ऑडिटर रिजाइन करता है और एक नया ऑडिटर आता है, तो वो नया ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पुराने ऑडिटर से पूछे या फिर उनका ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी करे कि उसमें कोई इश्यूज थे क्या, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे क्या, या फिर उसमें कोई कंसर्न्स थे क्या। तो ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 18। फिर आ जाइए क्लॉज नंबर 19, एक ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताता है कि क्या ये जो एंटिटी का वो ऑडिट किया है आगे जाकर इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आने वाले 2-3 साल में डूबने वाली है, तो इसका जो एनालिसिस है वो किस बेसिस में किया जाता है, तो 100% कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रेशियोस का कैलकुलेशन होता होगा, फिर डेटर्स का एजिंग शेड्यूल देखा जाता होगा, फिर यह भी समझा जाता होगा कि कंपनी के जो भी लाइबिलिटीज है क्या टाइमली उनका पेमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 19। फिर हम लोग पढ़े क्लॉज नंबर 20 जो है विथ रिगार्ड टू अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये लॉ से कनेक्टेड है जिसमें बोला जाता है कि कोई भी एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी वो कंपनी होती है जिनका नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा है,
टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से ज्यादा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सो एलिजिबल कंपनीज को पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर में स्पेंड करना होता है। अगर उन लोगों ने सीएसआर में स्पेंड कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्पेंड नहीं किया तो यहां पर 2 केसेस आ जाते हैं। सबसे पहला होता है सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 5, जिसमें बोला हुआ है कि इफ अनस्पेंट सीएसआर डू नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो आपको यह ट्रांसफर करना पड़ेगा अमाउंट को विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड टू शेड्यूल 7 फंड। लेकिन 135(6) क्या कहता है कि अगर अनस्पेंट सीएसआर का अमाउंट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो आपको अनस्पेंट अमाउंट ऑफ सीएसआर आपको डालना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट में। तो ये आपका क्लॉज नंबर 20। अब हम लोग आखिरी क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए कि वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रेस्पेक्टिव सब्सिडरीज इन द कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो फिर आपको डिटेल देना पड़ेगा उन कंपनीज का, पैराग्राफ नंबर भी बताना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा कारो का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, जिसके अंदर हमें ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स, लोकल सेल गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट के बारे में डिस्कशन करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट। तो देखिए सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता क्या है, तो यहां पर कुछ फार्मर्स एक साथ जुड़ जाते हैं वॉलेंटरिली टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिडिलमैन सारे के सारे एलिमिनेट हो और फार्मर्स का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं ऑडिटर के, मतलब कौन सा पर्सन क्वालिफाइड है टू ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, दूसरा ऐसा कोई सा भी पर्सन जिसने सर्व किया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में या कोऑपरेटिव अकाउंट्स में अगर उसका गवर्नमेंट डिप्लोमा है, ही इज क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दूसरा बात, ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो हेड होता है उसे रजिस्ट्रार कहते हैं, यही ऑडिटर को अपॉइंट करता है और ये ऑडिटर कंडक्ट करता है ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है टू रजिस्ट्रार। इस ऑडिटर की जो फीस होती है वो रजिस्ट्रार डिसाइड करता है, लेकिन फीस का जो पेमेंट होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही देता है। तीसरा टॉपिक अपने आगे था शेयर होल्डिंग में, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग मतलब एक मेंबर कितना शेयर होल्ड कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर जिसका फेयर वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोरिंग में भी कुछ चर्चा है, जिसमें बोला जाता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना चाहे उतना मेंबर्स को लोन दे सकती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर वो अदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देना चाहती है तो उसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा रजिस्ट्रार से। लेकिन यही बात जब बोरोइंग में आता है तो सुनिए क्या होता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना चाहे लोन मेंबर से ले सकती है, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जब नॉन मेंबर्स का बात आता है तो यह बात बायलॉज में लिखी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर नॉन मेंबर से लोन लेना चाहती है तो यह बात बायलॉज में लिखी होनी चाहिए और ऑडिटर को एग्जामिन करना वही बायलॉज। फिर हमने देखे थे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जो पैसे आते हैं क्या वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दे क्या, जी नहीं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने चलेगा, नहीं, बिकॉज स्टॉक मार्केट तो हाईली वोलेटाइल है, तो आपके पैसे कहां पर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में करो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में करो, अदर देन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में करो, फिर अदर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सिक्योरिटीज मेंशन है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 वहां पर कर दो या फिर इन एनी अदर मैनर। फिर हम लोगों ने देखा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आज एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जो प्रॉफिट आते हैं, क्या आपने मेंबर्स को डिविडेंड देने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, डिविडेंड दो, बोनस देने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बोनस भी दो, लेकिन पहले 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो, उसके बाद ये डिविडेंड बोनस का जो काम करना करो, और अगर रजिस्ट्रार चाहे तो ये 25% को रिड्यूस कर सकता है टू 10%। फिर हम लोगों ने देखा कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, बोला जाता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर दान धर्म का काम करना चाहती है तो हम लोग कौन है रोकने वाले, करो जितना करना है, लेकिन पहले रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो 25%, उसके बाद ही आप दान धर्म के काम में लगो और कितना चैरिटेबल पर्पस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अप टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट सही है। फिर कौन कौन से रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग बुक्स आपको मेंटेन करने हैं, तो यहां पर बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट रजिस्टर, फिर रजिस्टर ऑन एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, रजिस्टर ऑन सिक्योरिटीज, फिर
कैश बुक एंड स्टॉक रजिस्टर। फिर सेक्शन 17 में हम लोग आ गए, रजिस्ट्रार मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यही होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कर्ता धर्ता। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, साल में कम से कम एक बार तो करवाना ही पड़ेगा, और उस ऑडिट में क्या क्या चीजों को चेक किया जाएगा, ओवरड्यू डेट्स को और वैल्यूएशन किया जाएगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। और रजिस्ट्रार का यह पावर होता है कि वो कभी भी एक्सेस कर सकता है बुक्स को, अकाउंट को, पेपर्स को एंड सिक्योरिटीज ऑफ द सोसाइटी। फिर कुछ जनरल पॉइंट्स है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना है और मॉडल करना अपना एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बायलॉज को केयरफुली एग्जामिन कर लो। मेंबर्स के बारे में जानना है, कितने मेंबर्स हैं, किनका क्या शेयर होल्डिंग है, तो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से आराम से पता चल जाएगा। ओवरड्यू डेट्स 6 मंथ से 5 ईयर्स, फिर मोर देन 5 ईयर्स, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं। ओवरड्यू इंटरेस्ट को आपको क्रेडिट कर देना है टू ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व अकाउंट। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, अगर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल 1961 का बात कहो तो वहां पर बोला जाता है जितने भी बैड डेट्स होंगे वो ऑडिटर ही सर्टिफाई करेगा। लेकिन अदर स्टेट्स जो है, जैसे कि बंगाली पकड़ लो, वहां पर अगर कोई बैड डेट है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो उसे सर्टिफाई मैनेजिंग कमिटी ही करता है। फिर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देखिए 3 डॉक्यूमेंट ऑडिटर देख सकता है, रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, एग्रीमेंट एंड मनी रिसिप्ट। और जब पेमेंट ऑफ लोन्स है तो वहां पर ऑडिटर लोन एग्रीमेंट देख लेगा। यही जब ऑडिट ऑफ इनकम की बात आती है तो इंटरेस्ट इनकम के लिए लोन एग्रीमेंट देख लो, शेयर कैपिटल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए रजिस्टर मेंबर देख लो, और सेल्स के लिए आप क्या देख लो, इनवॉइसेस कितने इशू हैं। तो यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पूरा ऑडिट हुआ खत्म। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद अपने अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में देखिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। देखिए पंचायत आपके गांव में होते हैं और म्युनिसिपैलिटीज आपके शहर में होते हैं, तो इसके 4 पॉइंट है। और वो 4 पॉइंट को अपने इस तरीके से लर्न किए थे कि इफ ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मनी रिलेटेड फ्रॉड अगर उसे मिले, इफ इट इंप्लाइज कि इंटरनल कंट्रोल वीक है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फेयर एंड करेक्ट नहीं है, तो मनी से आपको क्या याद आएगा, इंश्योर करना वैल्यू ऑफ मनी इज फुल्ली रिसीव्ड ऑन द अमाउंट स्पेंट। फ्रॉड, टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। इंटरनल कंट्रोल, टू रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड फेयरनेस एंड करेक्टनेस, टू इंश्योर ऑन फेयरनेस एंड करेक्टनेस ऑफ कंटेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जनरल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज में क्या है, 6 पॉइंट्स है और इन 6 पॉइंट्स को अपने 2 सेट में लर्न किए थे, ए ए ए आर आर। तो ए ए ए क्या बोलता है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट का अप्रूवल रिक्वेजिट अथॉरिटी से मिलना चाहिए, अंडरस्टैंड करो रूल्स एंड रेगुलेशन। ये अपना सेट 1 का 2 पॉइंट खत्म हो गया। फिर सेट 2 में 4 पॉइंट है, एक मिनट में मैं आपको ग्रांट दिला दूंगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा, नो एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरी अंदर तक पहचान है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। तो मिनट से क्या होगा, कंसल्ट द रिलेवेंट मिनट्स ऑफ वेरियस मीटिंग्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज। ग्रांट से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, ग्रांट के जो पैसे आए हैं म्युनिसिपैलिटीज के पास या फिर पंचायत के पास, ऑडिटर को यह चेक करना है कि वो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्सपेंडिचर, एंश्योर दैट जहां पर भी ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है वहां पर स्कीम जो है वो क्या इकोनॉमिकली रन कर रही है कि नहीं कर रही है। और इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना जहां पर ऐसे एरियाज में जहां पर फ्रॉड होने की चांसेस सबसे ज्यादा है, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन, यूज ऑफ कैजुअल लेबर। तो यह है आपका लोकल बॉडीज का ऑडिट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खत्म। फिर अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्टार्ट किए थे और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रेस्टोरेंट, ट्रैवल और होटल्स की अपने चर्चा किए थे। तो देखिए सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने एक ही पेज में समराइज कर दिया था। हमने एक पीएनएल अकाउंट बनाया था जिसमें कहा था कि क्या रेस्टोरेंट में, क्या ट्रैवल्स में, क्या होटल्स और गेस्ट में एसेट्स होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे और एसेट्स डेप्रिशिएट भी करेंगे। तो डेप्रिसिएशन के रिगार्ड में ऑडिटर को क्या देखना है, एडिक्वेसी देखना है, अकाउंटिंग देखना है। अच्छा, क्या रेस्टोरेंट, ट्रैवल, होटल्स में लोग काम करेंगे, उन्हें सैलरीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो विथ रिगार्ड टू सैलरीज ऑडिटर को क्या देखना है, बैंक रिकॉर्ड देख लो, लीव एप्लीकेशन देख लो और अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लो। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी एकदम कॉमन है तो उसका ऑडिटर बिल्स वाउच कर सकता है। फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देख लो, इन्वेस्टमेंट जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लो, इन्वेंट्री जो यहां पर पड़े हुए उनका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करवा लो, लाइबिलिटीज का लिस्ट कलेक्ट करो और एरियर्स ऑन बिल्स को वेरीफाई कर लो, लाइसेंस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मिला है कि नहीं मिला है, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करो, डिटरमाइन करो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना कॉमन है टू रेस्टोरेंट, ट्रेवल्स एंड होटल्स। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन ऑब्वियस सा बात है, इन तीनों के तीनों बिजनेसेस का डिफरेंट ही होगा। जैसे कि रेस्टोरेंट में एक ऑडिटर को जानना है कि कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है तो वो सेल्स रिपोर्ट देख लेगा,
सिमिलरली ट्रेवल बिजनेस के रिगार्ड में ऑडिटर क्या देखेगा, बुकिंग डिटेल देखेगा। ऐसे होटल बिजनेस के रिगार्ड में चेक इन चेकआउट देख लेगा। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखिए, हम लोगों का रेस्टोरेंट, ट्रैवल और होटल एक मिनट में खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं सिनेमाज और एम्यूजमेंट पार्क। तो सिनेमाज और एम्यूजमेंट पार्क भी देखिए, मोर और लेस पॉइंट सारे के सारे सिमिलर ही है। हमने क्या किया था, ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन को काट दिया था, इन्वेंट्री यहां से कट कर दिया था और इसे बस चेंज कर देना है। तो देखिए डेप्रिसिएशन पॉइंट कॉमन है, सैलरीज वाला पॉइंट कॉमन है, बैलेंस शीट में से लाइबिलिटीज हट गया, इन्वेंट्री हट गया, बाकी फिक्स एसेट कॉमन है, ये भी कॉमन है, लाइसेंस और इंटरनल कंट्रोल भी पूरा का पूरा कॉमन है। तो एक ही तो पॉइंट रह गया ना कि हम लोग अगर सिनेमा में जाते हैं या अम्यूजमेंट पार्क में कोई घूमने फिरने जाते हैं तो हम लोग टिकट लेते हैं, टिकट के साथ हम लोग रेफ्रेशमेंट्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठूस लेते हैं और दुआ करते हैं मूवी अच्छा हो। तो डी फॉर क्या था, डिनोमिनेशन, यू फॉर अनसोल्ड टिकट्स, ए फॉर एडवांस बुकिंग। तो सेल ऑफ टिकट्स, सेल ऑफ ड्रिंक्स एंड रिफ्रेशमेंट्स के लिए ऑडिटर क्या देखेगा, डेली सेल्स रिपोर्ट देख लेगा। टिकट जो है डिफरेंट डिनोमिनेशन के, कोई टिकट 100 रुपया का है, कोई टिकट 150 रुपया का है, कोई टिकट 200 रुपया का है, तो अप्रोप्रिएट कंट्रोल इनफोर्स है कि नहीं है। अनसोल्ड टिकट्स को अंडर लॉक रखा गया है कि नहीं रखा, मतलब प्रॉपरली ड्रायर में रखा गया कि नहीं रखा गया। एडवांस बुकिंग अगर कुछ हो गया है तो वहां वो एडजस्ट हुए कि नहीं हुए। तो डी फॉर क्या था, डिनोमिनेशन, यू फॉर अनसोल्ड टिकट एंड ए फॉर एडवांस बुकिंग। ये हो गया दुआ, ठीक है। तो हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी पूरा का पूरा खत्म। अब हम लोग देखते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, क्या ये आसान है कि तो और आसान है। देखिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या एसेट्स होंगे कि नहीं होंगे, उन एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता होगा कि नहीं होता होगा। तो टू डेप्रिसिएशन के रिगार्ड में आप कर दो एडिक्वेसी अकाउंटिंग देख लो, सैलरीज में आप बैंक रिकॉर्ड देख लो, लीव एप्लीकेशन देख लो, अटेंडेंस रजिस्टर देख लो, डॉक्टर्स को जो रेमुनरेशन मिलता है किस बेसिस में मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट ऑफ विजिट या फिर उन्होंने कितना ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के लिए आप बिल्स देख लो। अगर कोई एक्सरे प्लेट परचेज किए जा रहे हैं या फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट किट्स परचेज किए जा रहे हैं तो ये देखो ऑर्डर्स कितना प्लेस हुआ, सामने वाले ने क्या इनवॉइसेस इशू किया है, उस अकॉर्डिंगली पेमेंट होता है। तो ये आपका हो गया कुछ पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके हो गए पेमेंट रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अब आ जाइए रिसीट रिलेटेड पॉइंट्स। तो देखिए ग्रांट्स, डोनेशंस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लीगसी, डोनेशंस, कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट्स, कलेक्शन फ्रॉम पैथोलॉजिकल टेस्ट। तो ग्रांट के रिगार्ड में सैंक्शन लेटर देख लो, डोनेशंस के रिगार्ड में आप काउंटर फॉइल देख लो रिसीट्स का, इंटरेस्ट के रिगार्ड में जो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है वो देख लो क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर डिविडेंड के लिए डिविडेंड वारंट्स देख लो, लेगेसी डोनेशंस के जो इनकम हुए हैं वो कहीं और यूटिलाइज नहीं होने चाहिए। तो ये है सारे आपके रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। फिर बैलेंस शीट तो कॉमन ही है, लायबिलिटीज का लिस्ट कलेक्ट कर लो और वेरीफाई करो बेस्ड ऑन अरियर बिल्स। फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होना चाहिए। फिर लाइसेंस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मिला कि नहीं मिला, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करो, डिटरमाइन करो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मिनट्स को कंसल्ट कर दो मिनट्स बुक को, और कंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करो कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने चार एंटिटी का ऑडिट तो पूरा का पूरा खत्म ही कर लिया है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस खत्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खत्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खत्म और हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग ऑडिट ऑफ बैंक देखते हैं। तो ऑडिट ऑफ बैंक्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये आपका सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, बहुत सारे एक्ट गवर्न करते हैं जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, आईटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। फिर इसके बाद कोई भी बैंकिंग कंपनी में बैलेंस शीट में देखा कीजिए 12 शेड्यूल होते हैं और पीएनएल अकाउंट में 4 शेड्यूल होते हैं, तो 12 शेड्यूल के लिए फॉर्म ए है और 4 शेड्यूल के लिए फॉर्म बी है। कंटेंट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट वो मिल गए या नहीं मिल गए, कि रिटर्न्स रिसीव हुआ कि नहीं फ्रॉम द ब्रांच ऑफिसेस, वेदर और नॉट द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बैंक हैव बीन इन द पावर्स ऑफ द बैंक। सेपरेट स्पेशल एक पॉइंट है कि यहां पर कारो 2020 अप्लाई करता ही नहीं है बैंकिंग कंपनीज में, ये हम लोगों ने कारो में पढ़ा था। फिर स्पेशल एस्पेक्ट्स में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, रीजनल रूरल बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, और बैंकिंग कंपनी में कौन करता है, शेयरहोल्डर्स करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रेमुनरेशन ऑडिटर कौन फिक्स करता है, नेशनलाइज्ड बैंक में आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट,
और बैंकिंग कंपनी में फिक्स होता है एज पर सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां पर हम लोगों ने बैंकिंग कंपनीज भी कंप्लीट कर लिया और एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक बार देख लेते हैं। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिसीट रिलेटेड कोई भी स्कूल में ट्यूशन फीस आते हैं, एडमिशन फीस, अदर फीस कुछ रहे, फिर हॉस्टल ड्यूज वगैरह क्लियर हुए कि नहीं हुए, ग्रांट जो रिसीव हुए हैं, फिर लेगेसीज के जो पैसे वगैरह आए हैं क्या उसी पर्पज के लिए यूटिलाइज किया गया कि नहीं जिसके लिए उन्हें मिले थे, डोनेशन रिसीव हुआ है तो ये भी चेक कर लो। तो ये है सारे के सारे आपके रिसीट रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो कि काफी आसान है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके हॉस्पिटल में भी देखे थे हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखो, मिनट्स बुक वगैरह कंसल्ट कर लो, फिर पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन में जो सैलरी वेजेस दिया गया वो देखो, रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो चेक कर लेगा, फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए फिक्स एसेट रजिस्टर देख लो, डेप्रिसिएशन की एडिक्वेसी देख लो, अकाउंटिंग चेक कर लो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में देखो फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, डेप्रिसिएशन का अपने क्या कर रहे हैं एडिक्वेसी देख रहे हैं, अकाउंटिंग देख रहे हैं, रिफंड ऑफ टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कर लो। तो ये सारे के सारे आपके वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहां पर देखिए हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 भी होता है खत्म। जितना मैंने आपको पढ़ाया है पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अच्छी से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, चलिए बाय।